हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है एक नई कड़ी में, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। दर्शकों, हमारे जीवन में एक कॉमन चीज है जिसके पीछे हम सब भागते हैं। वो ऐसी चीज है जो ज्यादा मिल जाए तो भी गड़बड़ है, कम मिले तो भी गड़बड़ है, ना मिले तो भी गड़बड़ है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसी चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये है पैसा, वेल्थ। तो हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रोफेशन में हमें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, हम वो कोर्स करते हैं। हम जब जॉब ढूंढते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस कंपनी में हमें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, हम वो जॉब करते हैं। तो हमारे जीवन में वेल्थ और पैसे की बहुत अहमियत है। बट क्या हो अगर हमारे जीवन में ये पैसा बहुत अबंडेंस में हो और इससे भी ज्यादा अमूल्य चीज हमें जीवन में मिल जाए। आज के हमारे गेस्ट इसी उदाहरण के एक बहुत अच्छे उनका जीवन इस चीज का एक उदाहरण है। तो मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आएगी नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंट्रोडक्शन दे सकूं। आज के हमारे गेस्ट 9 डिग्री होल्ड करते हैं, 9 डिग्री 9 एजुकेशनल डिग्रीज होल्ड करते हैं। इन्होंने बचपन में ही लंदन में जो कॉमर्स ऑफ चेंबर्स है, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिसमें कि 40 से ज्यादा देशों के लोग इन्वॉल्व थे, और इसमें ये इंडिया से फर्स्ट आए थे, इनको गोल्ड मेडल मिला था। ये काफी रिच और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, बट इन्होंने अपने जीवन में भक्ति को ज्यादा अहमियत देते हुए वो सब छोड़ दिया जो कि हम सब जिस चीज के सपने देखते हैं, जिस चीज के पीछे भागते हैं, और इनको अपने जीवन में आज उससे भी ज्यादा अमूल्य चीज मिली है। तो आज हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो अपने जीवन में हमें ये, अपने जीवन से हमें ये सिखाएगा कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं उससे ज्यादा अमूल्य चीज क्या होती है जीवन में। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट का, आनंद वृंदावन दास जी का। हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय हंबल ओबेसेंसेस टू ईच एंड एवरी डिवोटी। आई डोंट नो व्हाट टू से। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी प्रभु। आनंद वृंदावन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। जब मैंने आपके बारे में सुना तो मैं भी काफी हैरान रह गया कि आपकी लाइफ में इतनी सारी अच्छी रोमांचक चीजें हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। इससे पहले कि हम इस सफर पे आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए, जिससे कि हमारे दर्शक इस चीज को जान सके, प्लीज। हरे कृष्णा, सबसे पहले तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं ये इस्कॉन डिजायर ट्री से इतना प्रभावित हूं, खास करके आपका स्टाफ और वो सब तो है ही, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो है, जो इसके पीछे है, वो है वैष्णव सेवा प्रभु, मेरा खास मित्र है। और ये व्यक्ति जो है प्रभु, मेरे साथ से पिछले 30 साल से मेरा उनके साथ में फ्रेंडशिप है। बेस्ट चीज जो ये व्यक्ति का मैंने देखा है, इससे मैं बहुत प्रभावित हो गया हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी इनकम दे रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, वो सब इस्कॉन डिजायर ट्री को समर्पित कर रहे हैं। तो वो आप जो मुझे अभी आगे के पहले बताया, पैसा कमाया ये वो, लेकिन ये व्यक्ति का एक एग्जाम्पल है कि ये व्यक्ति ने कमाया और कृष्णा की सेवा में सब वापर दिया। ये सेल्फलेस सेवा जो है, ऐसा बहुत कम व्यक्ति करता है प्रभु। मेरे लाइफ में मैंने ऐसा बहुत बहुत कम व्यक्ति देखा है कि जो है इस तरह से जीवन जीता है और वापिस लाइमलाइट में आते ही नहीं है। मैंने कहां पर भी वैष्णव का फोटो, उसकी माता जी का फोटो कहां पर भी नहीं देखा है। ये मुझे दिखा रहा है कि ये व्यक्ति कितना सेल्फलेस सेवा कर रहा है। और हमारी चैतन्य महाप्रभु को मूवमेंट के अंदर ये दो ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हरि नाम और सेल्फलेस सेवा। ये व्यक्ति ये दोनों चीज पकड़ करके बैठा है और सब चीज अपना दे रहा है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू इस्कॉन डिजायर ट्री, क्या सेवा कर रहा है पूरे दुनिया में और कितने लोगों को कृष्णा भक्ति करने के लिए परमिशन दिया है। तो जब वैष्णव ने मुझे बताया कि तुमको ये क्लास देना ही है, तो आई कुड नॉट टेल हिम नो प्रभु, बिकॉज आई फेल्ट इट दिस इज नॉट लिटिल बिट सर्विस आई कैन डू फॉर ऑल द कॉन्ग्रीगेशन। अगर वैष्णव इतना कर रहा है तो मुझे कुछ तो करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ग्रेटफुली थैंकफुल टू वैष्णव। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट।
प्रभु, मैं जो है बहुत ही धनवान फैमिली से आ रहा हूँ। मैं प्रभु, मेरे पिताजी जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, आयरन एंड स्टील के अंदर उनका बिजनेस था। आयरन एंड स्टील में मेन ब्रांच बॉम्बे में थी, ब्रांचेस अहमदाबाद, पूना, मंडी, गोविंदगढ़, वहां पे सब ब्रांचेस थी। प्रोपराइटरशिप कंसर्न था, सेल्फ मेड व्यक्ति थे वे भी, और स्पिरिचुअल कल्चर था हमारे जीवन में। बचपन से मुझे स्पिरिचुअल कल्चर दिया गया था। और मैं एक ही लड़का हूँ माँ बाप का, एक बहन है मुझे, एक और मेरे से बड़ी बहन है, और मैं एक छोटा, मैं उसके नीचे हूँ। मेरा एक ही लड़का था माँ बाप का। और बचपन से, क्योंकि मैं वही परिवार बनिया कम्युनिटी से आता हूँ, तो जो है मेरे लाइफ के अंदर पैसे कमाने की भूख जबरदस्त थी, जबरदस्ती। मुझे एक ही लाइफ के अंदर गोल था कि मुझे कोई भी हालत में जब सबसे जल्दी पैसा कमाना है। और वाह, वही फोकस लेकर के मैंने बहुत पढ़ाई पे फोकस किया। वही मेरा मोटिव था कि जितना हो सके उतना कम उम्र में मैं जल्दी पढ़ाई करूं और बाद में सिर्फ पैसे के ऊपर ही फोकस करूं। मैं ऐसा कहा गया था उस समय कंपनीज एक्ट के अंदर कि मैक्सिमम जो है आप 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो और 2 कंपनी के अंदर चेयरमैन बन सकते हो। मेरी एक अभिलाषा थी कि मैं जो है 20 कंपनी के अंदर मेरा डायरेक्टरशिप होना ही चाहिए और 2 कंपनी में चेयरमैन भी होना चाहिए। उस समय एट द एज ऑफ 23-24 एक कंपनी के अंदर मैं डायरेक्टर भी बन गया था। वाह, इतना लगा था मुझे, पैसे का इतनी भूख थी। मेरा लाइफ के अंदर गोल ये था कि पैसा ही सब कुछ है जीवन में। और उसके वजह से मैंने पढ़ाई के अंदर भी कॉमर्स ही लाइन लिया क्योंकि वो मेरा खून में था। और बीकॉम के साथ में जो है, जैसा आपने बताया, बीकॉम के साथ में मैंने आज 8 डिग्रियां क्लियर साथ में कर लिया है। वो कैसे हो सकी, वो 8 डिग्रियां, मोस्ट ऑफ देम आर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। मैंने क्या किया था कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर ही एक कोर्स था जीसीडी करके, गवर्नमेंट कॉमर्शियल डिप्लोमा करके था, जो उस समय जो है इट वॉज इक्विवेलेंट टू बीकॉम। तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में बीकॉम, 11th स्टैंडर्ड के साथ में ही वो जीसीडी क्लियर कर लिया। और जीसीडी कवर करने के बाद में 12th स्टैंडर्ड से इस तरफ मैं बीकॉम एनएम कॉलेज में कर रहा था, और इस बाजू मैंने सब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के ऊपर एडमिशन ले लेकर के कवर करते जा रहा था मैं। तो वाह, 12th स्टैंडर्ड में मैंने कॉस्टिंग पास किया, FY बीकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट पास किया, SY बीकॉम में मुझे लगा कि अभी अभी ये तो बहुत एक एक ही डिग्री हो रही है, एक साथ में पूरा अच्छी तरह से ज्यादा कोर्सेस कर लेता हूँ। क्योंकि ये बीकॉम जो है मैंने 11th स्टैंडर्ड में जब जीसीडी कवर कर लिया था, जो TY बीकॉम का जो सिलेबस था ना वो मैंने जीसीडी में ही कवर कर लिया था। तो मुझे बीकॉम के अंदर कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि मुझे कुछ पढ़ाई करना है। एग्जाम होती है और एक दिन पहले ही मैं बुक लेकर के पढ़ देता था और आई वॉज गेटिंग ए गुड मार्क्स। तो ये सब दूसरे चीज के ऊपर फोकस कर लिया था। तो SY बीकॉम में मैंने बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, SY बीकॉम सब साथ में कवर कर लिया। TY बीकॉम में मैंने टैक्सेशन मैनेजमेंट क्लियर किया और साथ में जो है MBA की एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर ली। और इस बाजू जो है मैंने बीकॉम क्लियर किया और बीकॉम के साथ में मेरे पास अंदाज से 7 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साथ में आ गई थी। इन एडिशन टू दैट SY बीकॉम के अंदर मैंने एक कोर्स था डिप्लोमा इन सेल्समैनशिप एंड सेल्स मैनेजमेंट, जो लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एग्जाम लिया जाता है और 40 देश वो एग्जाम के अंदर देते हैं परीक्षा, और अंदर से 5 लाख बच्चे बैठते हैं वो एग्जाम के अंदर। मेरी उस समय 19 साल की उम्र थी, SY बीकॉम में था मैं। आई स्टूड फर्स्ट इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 5 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम 40 कंट्रीज। आई वॉज द वाह, यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट दिस डिग्री एट द एज ऑफ 19 ईयर्स। और उस समय 19 साल की उम्र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि किसी को भी ये इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ी डिग्री मिलती नहीं थी। मेरे एग्जाम के अंदर ब्लू स्टार, नेस्ले, कैडबरी, वहां के मार्केटिंग मैनेजर एग्जाम देने जाते थे, और मुझे तो ऐसा लग लोग को लग रहा था कि कोई जो है बड़े लोगों का कोई शॉफर आया है एग्जाम देने के लिए, कि उनको छोड़ने को आया है, हमें मैं एग्जाम लिस्ट में बैठ के आता मैं। फिर जो है प्रभु, वो एग्जाम के अंदर मैं फर्स्ट आने से जो है, उस समय मार्गरेट थैचर जो है वो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, शी वाज सो सो मच शॉक के ये इंडियन, उस समय इंडिया वाज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो उस समय उसको शॉक हो गया कि ये ऐसा लड़का जो है कैसे इतना ऊंचा डिग्री पे आ सकता है। तो उसने ऐसा नक्की किया कि लड़के को जो है गोल्ड मेडल भेजो मत, उसको लंदन बुलाओ और मैं मेरे हाथ से उसको गोल्ड मेडल देना चाहती हूँ। तो मैं जो है स्पिरिचुअल कल्चर से आया था और एक ही लड़का था मेरे माँ बाप का, तो उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया लंदन जाने के लिए गोल्ड मेडल रिसीव करने के लिए। तो शी वॉज शॉक्ड। तो फिर जब नॉर्मन टेबिट करके उसका कॉमर्स मिनिस्टर जब इंडिया में आ रहा था,
तो उन्होंने मार्गरेट थैचर ने एक्सक्लूसिवली कहा कि तुम दिल्ली का ऑफिशियल विजिट करके आधा दिन बिगाड़ करके दिल्ली से बंबई जाओ, बंबई में ये लड़के को मिलो और उसको मेरे तरफ से गोल्ड मेडल हैंड ओवर करो और फिर वहां से फिर लंदन आना। सो नॉर्मन टेबिट एक्सक्लूसिवली केम टू दिल्ली एंड देन दिल्ली ही केम टू बॉम्बे और मुझे वो गोल्ड मेडल हैंड ओवर किया गया। और फिर वो टीवाई बीकॉम के अंदर मैंने टैक्सेशन मैनेजमेंट क्लियर किया और फिर बाद में मैंने एमएमएस किया नरसिंह मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से। और वो समर ट्रेनिंग भी जो है, जो एक साल के बाद में समर ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, वहां पे भी मेरा वो इतना जुनून था पैसे कमाने का। वो धीरूभाई अंबानी जो है रिलायंस इंडस्ट्री उस समय वो चेयरमैन थे और इट वाज दैट टाइम आल्सो इट वाज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। तो धीरूभाई अंबानी का मेरा कॉन्टेक्ट हुआ था एजीएम के अंदर और वो एजीएम में वो इतने मेरे से खुश हो गए थे और उन्होंने जब पता चला कि मेरा समर ट्रेनिंग करना है तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी रिलायंस इंडस्ट्री में किसी को भी समर ट्रेनिंग नहीं करवाया है, लेकिन मैं तुमको समर ट्रेनिंग की परमिशन देता हूँ और तुमको मेरे हाथ के नीचे रखना चाहता हूँ सब ट्रेनिंग देने के लिए। तो आई वॉज द फर्स्ट बॉय विद रिलायंस इंडस्ट्री धीरूभाई अंबानी टुक मी एज अ समर ट्रेनर एंड गेव मी द ऑल द थिंग्स व्हाट इज रिलायंस वाज मैनेजिंग इन फाइनेंस। वो इट वाज अ जीरो टैक्स कंपनी उस समय, तो किस तरह से वो जीरो टैक्स कंपनी कर रहा था, किस तरह से वो एक्सपांशन करते रहते थे, वो सब चीज मुझे बताया गया। इन शॉर्ट फिर एमबीए करने के बाद में, उस समय मेरी उम्र 23 साल की थी, तब मैंने पढ़ाई सब छोड़ दिया, मुझे फिर अभी फोकस खाली रुपये के लिए करना था। तो मैंने जो है एट द एज ऑफ 23 मेरे पास 9 डिग्रियां थी और फिर मेरा एक ही फोकस था जितना हो सके उतना जल्दी रुपया कमाना है और रुपया कमा करके मुझे एक पीक पे आ जाना था। सो दिस वॉज माई बैकग्राउंड अबाउट माई फैमिली एंड अबाउट माई चाइल्डहुड। बाबू जी थैंक यू। तो दर्शकों, जितनी डिग्रियों के नाम इन्होंने देखे, इन्होंने अभी बोले हैं, उससे तो हम शायद एक कॉलेज के ब्रोशर में भी नहीं पढ़ते होंगे जितना इन्होंने डिग्रीज कर दी हैं। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे गौर देने के लिए कि इनका बैकग्राउंड पहले से ही एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से था। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, अगर हम बच्चों को बचपन से ही एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड देते हैं तो उसमें काफी सक्सेस मिलती है उनको अपने जीवन में और बाद में जाके वो इस संस्कार को, इस स्पिरिचुअल बैकग्राउंड को काफी अच्छे से नरिश कर पाते हैं, जिसका एक लाइव एग्जाम्पल आज हमारे पास आनंद वृंदावन दास जी हैं। तो आनंद वृंदावन जी, आप जब इतने सक्सेसफुल थे, आई गेस 23 साल तक आपके पास 9 डिग्रीज, रिलायंस, इतने सारे जगहों से आपके पास ऑफर्स और आप इतने सारे काम कर रहे थे, तो भक्ति कहाँ मिल गई आपको? तो भक्ति में कहाँ घुस गए आप, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि इतने सक्सेसफुल के बाद आप भक्ति में किस तरह से आए और आपका भक्ति में इंट्रोडक्शन किस तरह से हुआ? मैं जो है पहले से, मुझे बचपन से हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी स्पिरिचुअल लाइफ थी हमारे जीवन में। मेरे घर के अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल कल्चर था, मेरे पिताजी बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड व्यक्ति थे। मेरे घर जो है, हमारा घर जो है जूह में था, 2000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा घर था, वहां पे मैं रहता था। तो हरेक इंडिया के हरेक साधु, जो मेजर साधु थे, जो बड़े बड़े साधु थे, वो सब लोग मेरे घर पे आकर के रहते थे। और बिकॉज आई वॉज द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो मुझे बहुत लोगों ने प्रेम दिया था, केयर दिया था। उसमें भी खास करके डोंगरे महाराज और मुरारी बापू करके जो दो बड़े व्यक्ति थे उस समय, वो दोनों मेरे घर के अंदर रेगुलरली आते थे और रहने के लिए आते थे। तो ये कल्चर मुझे बचपन से ही मिला गया था। अभी ये जब कल्चर मिला था, लेकिन मेरे को स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना, मेरे लिए एक ही था कि स्पिरिचुअल लाइफ मुझे रुपया ज्यादा कमाने के लिए मदद करेगा, ये मेरा फोकस था। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लाइफ में कोई भी अड़चने आएगी तो कृष्णा को मदद करूंगा, कृष्णा से प्रार्थना करूंगा, मेरी अड़चन खत्म कर देंगे। उसके लिए मैं कृष्णा कॉन्शियस, मैंने स्पिरिचुअल माइंडेड था। फिर बाद में प्रभु जी क्या हुआ कि मैंने एक दो, बाद में मैं बताऊंगा स्टेजेस, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान होने के बाद में मैं हिल गया कि ये तो मैं बड़ी बड़ी ड्रीम करने वाला व्यक्ति हूँ, 20 कंपनी में डायरेक्टर बनना है, चेयरमैन बनना है, बड़ा बड़ा रुपया करना, इसमें तो हिल गया हूं मैं। और मैं, मुझे लाइफ की थोड़ी रियालिटी समझ में आई कि ये इतना सहला नहीं है, पैसा कमाना इतना सहला नहीं है, इसमें अड़चने आएगी और मैं हिल भी सकता हूँ। तो मैं घांगा हो गया था, हमारी गुजराती में कहे ना। उस समय समहाउ प्रभु जी, मुझे देवामृत प्रभु जो है, यानी देवामृत प्रभु यानी मेरे, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत वरिष्ठ वैष्णव थे उस समय, और अभी तो उन्होंने संन्यास भी ले लिया, भक्ति रसामृत महाराज उनका नाम बोला जाता है। और जो है प्रभु, वो मेरे क्लासमेट थे एमबीए में,
हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई किया है, एमबीए, और वो भी हमने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन हमने साथ में ही किया था, तो मेरा क्लासमेट थे। लेकिन मेरे पढ़ाई के बाद में फिर वो लोग अपने काम पे चले गए, मैंने नौकरी नहीं लिया। मैंने सबको बोला था कि तुमको नौकरी नहीं मिला तो मेरे पास आना, लेकिन मैं नौकरी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप ही थी, मुझे रुपया कमाना था और मेरे रिस्क से कमाना, मैं किसी की नौकरी करना नहीं चाहता था। तो फिर प्रभु जी क्या हुआ कि वो झटका लगने के बाद में सब लोगों ने किसी ने उनको मैसेज दिया कि अपना अशोक पारेख जो है, जो मेरा कर्मी नाम है, वो जरा तकलीफ में है। तो उन्होंने राइट टाइम पे मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि तू गड़बड़ा रह रहा है। मैंने बोला हाँ थोड़ा टेंशन में हूँ। तभी उन्होंने बताया कि तुम कितना भी पैसा कमाएगा, कितना भी सीरियसली तू कमिटमेंट भरेगा, तू बहुत बड़वा बहुत धनवान भी होगा, तो भी तेरे को ब्लिसफुलनेस लाइफ में नहीं आने वाली है। ब्लिसफुलनेस सिर्फ कृष्णा भावनामृत से ही आने वाली है। उस समय मैं थोड़ा सोबर बन गया था क्योंकि झटका लगा था लाइफ में। और फिर उन्होंने मुझे बताया था कि तुम जो है जो कुछ भी करो तुम, मैंने बोला देखो प्रभु मैं तुम्हारे से साधु जैसा बनना नहीं चाहता हूँ, मुझे रुपया कमाना है। तभी उन्होंने मुझे बताया कि तुम रुपया ही कमाओ, लेकिन एक चेंज करो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो कृष्णा के लिए करो, इंद्र तृप्ति के लिए मत करना, और फोकस कृष्णा ही रखना। सक्सेस मिले तो भी कृष्णा है, फेलियर है तो भी कृष्णा है, तो तुम पीसफुल भी रहोगे और तुम तुम्हारा पूरा लाइफ कृष्णा को अच्छी तरह से दे पाओगे। ये मुझे जच गया क्योंकि मुझे धंधा भी करना था और मैं दुखी हो गया था, तो मुझे इसका सॉल्यूशन भी चाहिए था। तो मैंने प्रैक्टिकली वो चीज मेरे लाइफ में बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चालू किया। जो भी कर रहा था कृष्णा के लिए करूंगा, रिजल्ट आएगा। तो मुझे कमाने की भूख थी, पैसे वापरने की, इंद्र तृप्ति करने की भूख नहीं थी, लेकिन वो एक डिजायर थी, रुपया जल्दी कमाना है, बड़ा बनाना है, करोड़ों रुपया बनाना है और बनाना है, बस यही भूख थी। लेकिन उसके बाद में क्या करना है समझ में नहीं आता, भूख बहुत बड़ी थी। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये कृष्णा के लिए करते जाओ, तो ये मुझे प्रैक्टिकल लगा, पीसफुली हो गया, टेंशन फ्री हो गया, और बहुत मुझे समझ में आया कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये जो है अगर कृष्णा के लिए करना है तो मैं क्यों बिना मतलब का इतना टेंशन लेता हूँ। सक्सेस तो कृष्णा का है, फेलियर भी कृष्णा का है, मिलेगा तो कृष्णा को दे दूंगा, नहीं मिलेगा तो हाथ खड़ा होकर खड़ा रह जाऊंगा कि नहीं मिला है कृष्णा। ये इतना प्रैक्टिकल मुझे लग गया कि मेरे को लगा कि ये इंप्लीमेंट करने जैसा है, और इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे। और जैसा रिजल्ट अच्छे आने लगे प्रभु, तो मैंने ज्यादा अंदर चला गया। मेरा प्रभु जी एक बहुत क्लैरिटी है, जहां पे अच्छी चीज लगती है तो बराबर अंदर घुस जाता हूँ। तो पहले पढ़ाई में भी लगा कि इसके अंदर रुपया मिलने वाला, तो एकदम घुस गया, और इधर कृष्णा कॉन्शियसनेस भी समझ में आया कि ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है, तो एकदम अंदर चला गया। और अंदर चले जाने के बाद मैं बहुत अंदर चला गया, सब चेंज कर लिया मेरे लाइफ के अंदर, प्रिंसिपल्स चालू फॉलो कर लिया, और वैसे भी स्पिरिचुअल कल्चर था ही मेरा, तो मुझे एडोप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं था, खाली मेरे को चाय का ही आदत था, वो चाय भी मैंने छोड़ दिया। माला 16 माला इमीजिएटली चालू कर दिया, 4 नियमों का पालन चालू कर दिया, भक्तों का संग कंटिन्यूसली करने लगा। वो सब करने से मेरे लाइफ के अंदर एक पूरा माहौल हो गया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज माय बेसिक, इट शुड बी। और मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, मैं बहुत थ्योरेटिकल में नहीं गया था, मुझे प्रैक्टिकल लगा कि ये चीज बहुत मदद कर रही है मुझे, मैं सक्सेसफुल बिजनेस भी रह सकता हूँ, हो भी सकता हूँ, एट द सेम टाइम मैं कृष्णा को भी छोड़ नहीं सकता हूँ। ये दोनों चीज जब मुझे प्रैक्टिकल लगी तो मैंने बहुत सीरियसली ले लिया था। सो दिस वॉज माई थिंग दैट हैपेंड। और जैसा ये अच्छा हो गया मेरे लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली तकलीफें आने लगी मेरे लाइफ के अंदर, बहुत प्रॉब्लम्स आने लगे, विच स्लोली स्लोली आई ट्राई टू कवर इट अप, बट विद ग्रेट डिफिकल्टीज, बट दिस इज द वे आई केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो दर्शकों, हमारी लाइफ में जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आनंद वृंदावन जी की लाइफ में भी एक ऐसी हर चीज होने के बावजूद जब एक प्रॉब्लम आई, तभी भगवान ने उनको एक ऐसा रास्ता दिया जिससे कि वो भक्ति की तरफ जा सके। तो हमें भी अपने जीवन में इस इंसिडेंट से ये सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कहीं पे भी दुख आ रहे हैं या कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है, शायद ये हमारे लिए भगवान भेज रहे हैं ताकि हम उनके पास आ सके। बस फर्क ये है कि ये सब रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आज हम आनंद वृंदावन जी से ये चीज सीख सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में इस डाउनफॉल में या इस पर्टिकुलर डाउन टाइम में अगर भगवान की तरफ जाएं तो सक्सेस 100% मिलती है, जैसा कि इन्होंने अपनी लाइफ में किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आप भक्ति में आ गए, तो आई एम श्योर भक्ति में जब भी कोई आता है तो भले ही कोई कितना भी अच्छी फैमिली से हो, अच्छे स्पिरिचुअल फैमिली से हो, जब कोई भक्ति में अच्छे से घुस जाता है तो उसको जरूर रेजिस्टेंस मिलता है। तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई रेजिस्टेंस आया? आपके दोस्तों, आपके माता पिता, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था
जब उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो बहुत पैसा कमाना चाहता था अब भक्ति भी कर रहा है और पैसा भी कमा रहा है, तो ये भक्ति वाला फैक्टर आपकी फैमिली को डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ? प्रभु मैं हाईली क्वालिफाइड था, तो हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से मेरे कम्युनिटी के अंदर, हमारी गुजराती बनिया कम्युनिटी जो है तकरीबन 3 लाख लोग बंबई में रहते हैं, उसमें आई वॉज द हाईएस्ट क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम 3 लाख पीपल। तो मेरा पिताजी को बहुत मेरे वजह से रिस्पेक्ट मिल रहा था, क्योंकि हम लोग के कम्युनिटी बहुत कॉलेज तक भी नहीं जाते, और यहाँ पे कॉलेज के यहाँ पे डिग्री होके डिग्री ले लिया, और वो भी 23 इयर्स के अंदर खत्म करके रुपया कमाने लगा था मैं, तो जो है प्रभु बहुत हाई रिस्पेक्ट मिल रहा था। उसमें मैं जब कृष्णा भावनामृत में आ गया तो वही लोग जो मेरे पिताजी को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे उनको चांस मिल गया मेरे पिताजी को क्रिटिसाइज करने का कि तुमने तुम्हारे बच्चे को संभाला नहीं, केदार क्या कर रहा है। और मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली ले लिया था, मैंने तिलक करना चालू कर दिया, कंठी माला पहन लिया था, धोती कुर्ता में जा रहा था, और मैं जो है प्रभु जी चोटी रख लिया था मैंने, और रास्ते पे नाचता था कीर्तन के अंदर। ये सब चीज पिताजी के लिए बहुत ऑड लगने लगा उनको, और ये फॉरेन लोगों के साथ में घूमने लगा, इधर तो हमारे वहां पे इतने साधु लोग आ रहे हैं उसको छोड़कर के इधर क्यों चला गया है। और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनको ये लगा कि ये जो है बाहर के लोगों के सामने वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब उनको बोल रहे थे तुम्हारे बच्चे को सुधारो, ये किधर ब्राह्मण बन गया, इधर अपना ये धंधा थोड़ी, अपने को तो रुपया कमाने का है, ये किधर भाग गया क्या, तुम क्या कर रहे हो, तो माय पिता माय फादर वाज, उनका ईगो बहुत हर्ट हो रहा था। बहुत क्लैशेस हुए, बहुत समझाने की कोशिश भी किया मैंने, पर पिताजी को नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पिताजी मेरे पिताजी सेल्फ मेड थे, वेरी लविंग पर्सन, आई कैन टेल यू वेरी लविंग पर्सन, लेकिन उनका माइंड के अंदर ये कंसेप्शन था जो हमारे गुजराती में होता है कि ये अगर बहुत गड़बड़ करे तो उसको बराबर प्रेशर दे देना चाहिए और वो प्रेशर से सीधा हो जाएगा, तो उनको लगा यही प्रेशर से काम लग जाएगा। तो उन्होंने फिर बहुत बातें चलने चलने के बाद में भी कुछ रास्ता नहीं निकला, तो एक फाइनली एक बार उन्होंने बोला कि अभी बैठो मैं तुम्हारे साथ एकदम फाइनल डिसीजन लेना चाहता हूँ। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि अभी मुझे तुमको दो में से एक चीज करने की इच्छा है, मुझे तुमको करना है, ये तुम्हारा पूरा तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा इनहेरिटेंस में सब तुम्हारे पास में ही है, सब तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा, और या तो हरे कृष्णा, दो में से एक नक्की कर रहा क्या चाहिए तुमको। मैंने बोला पिताजी को दोनों, मैं दोनों चाहिए मुझे, और मैं आपको पूरा एग्जाम में मेरा पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स और मेरा एक्शन से बता दूंगा कि मैं जो है दोनों में सक्सेसफुल होकर के बताऊंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा धंधे के अंदर, कृष्णा भक्ति की वजह से मैं पैसे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, पैसा कमाऊंगा, अच्छा कमाऊंगा, और आपसे भी ज्यादा कमाऊंगा, और मैं गारंटी से बताता हूं। लेकिन आप बोलो कि दो में से एक तो मुझे नहीं जम रहा है, दोनों में करूंगा। तो पिताजी को लगा कि यह ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमारे गुजराती में एक बिलीफ है, और ये हकीकत में भी है कि आदमी जो बहुत भागता है उसको पैसे का भूल बता देवे तो सीधा हो जाता है। तो उनको ऐसा लगा कि अगर पैसे का मैं दम दू दूंगा ना तो वो सीधा होकर के भक्ति करना बंद करेगा, ये उसका नाटकबाजी है, वो सीधा ठंडा हो जाएगा। तो तभी जो है प्रभु जी ने, पिताजी ने बोला कि नहीं, मुझे दो में से एक ही चीज आपको करवानी है, या तो हरे कृष्णा या तो फुल फैमिली एम्पायर, व्हाट डू यू वांट। मैंने विचार किया प्रभु कि अगर मेरे पास फैमिली एम्पायर रहेगा लेकिन मेरे पास कृष्णा नहीं रहेगा, यानी शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड, गुड़ी गुड़ी भक्ति नहीं, मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए। वो शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड अगर नहीं रहेगा और पैसा रहेगा ना, तो ये पैसा ही मेरे को नरक तरफ लेके जाएगा, मेरे को इंद्र तृप्ति तरफ लेके जाएगा, खोटा काम करवाएगा, और मेरे को ये जो शुद्ध भक्ति जो मुझे चाहिए, जिसका आनंद जो मुझे अभी भी अनुभव कर रहा हूं, वो नहीं मिलेगा। उल्टा अगर ये पैसा नहीं रहा लेकिन मेरे को ऐसा अच्छा भक्तों का संग रहेगा और मेरे पास कृष्णा रहेगा, तो वैसे भी जो है भैया मेरा साधु लोग के साथ में मैं बहुत एसोसिएट कर रहा हूं, उनके साथ में जिंदगी निकाल दूंगा, मैं उनके साथ में निकाल दूंगा, लेकिन जो है मेरा प्रिंसिपल तो रहेगा, मैं ब्लिसफुल हृदय से रहूंगा, बाहर से नहीं अंदर से ब्लिसफुल रहूंगा, और जिंदगी में जो है मैं इस तरह से जिंदगी निकाल दूंगा, पैसा सब कुछ जीवन में नहीं रहेगा। ये डिसीजन बहुत महत्व का था मेरे लिए, बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। मैं मंदिर, हमारे छोटा सा मंदिर था, वहां पे माला किया, आधा घंटा मंदिर बंद करके पूजा किया, क्या करूं। फिर बाद में अंदर से आवाज आ रहा था गेट आउट। तो फिर मैंने पिताजी को बोला, पापा अगर आप दोनों में से एक बोलना चाहते हैं तो आई वॉन्ट हरे कृष्णा। इट वॉज अ बिग शॉकिंग थिंग टू माई फादर, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनका एकदम वो बोला ना गुगली बॉल हो गया पूरा, वो
एकदम उल्टा सीधा हो गया। अभी वो भी सेल्फ मेड आदमी थे, वो भी जो है प्रभु जी वो सिर झुकाने वाले नहीं थे, तो वो फिर बहुत गुस्से हो गए। मैंने बोला मैं दोनों करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप दो में से एक ही चीज बोलते हैं तो फिर आई वॉन्ट हरे कृष्णा। तो बाद में बहुत गुस्से आने के बाद में उन्होंने मुझे बोल दिया द डोर इज ओपन फॉर यू, यानी आप घर से बाहर निकल जाओ। 6 जनवरी 1991 संडे 10:30 बजे ये चर्चा हुई, और उस समय जो है प्रभु मैं हमारे गुजराती में हम लोग बोलते हैं ना पायजामा और कुर्ता जो हमने पहना होता है ना, जो हम गुज्जू लोग पहनते हैं, वो पायजामा और कुर्ता मैंने पहना था प्रभु। और मैं भी बहुत डिटरमाइंड आदमी हूँ, पिताजी का ही खून है ना मेरा भाई, तो मेरा का भी था कि भाई अभी पिताजी की इच्छा नहीं है तो मैं रहूंगा नहीं इधर। तो फिर प्रभु वो ही पायजामा कुर्ता में मैं घर से बाहर निकल गया, और आई कैन टेल यू प्रभु आज कितना 30 साल हो गया, 30 साल के ऊपर हो गया होगा, 31 साल हो गया प्रभु। द ओनली प्रॉपर्टी आई गॉट फ्रॉम माई फादर इज ओनली पायजामा एंड कुर्ता, दैट्स इट। I have started from life from practically zero. मैंने life zero से चालू किया है, और I can tell you प्रभु everything Krishna has given me. लेकिन संघर्ष जबरदस्त किया है मैंने Krishna को मेरी sincerity बताने के लिए. So फिर बाद में प्रभु जी मैं निकल गया, और देवामृत प्रभु यानी भक्ति रसामृत महाराज मेरे खास मित्र थे, उनको ये सब चीज सब मैटर का पता था कि क्या क्या चल रहा है। तो मैं सीधा वहां से सीधा राधा गोपीनाथ मंदिर चला गया था, और उनको बता उनको मालूम था, 2-3 बार मेरे घर पे भी आए थे, उन्होंने भी देखा था कि स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। तो तभी मैंने जाकर के बोला प्रभु अभी मैं तो पूरा बाहर निकल गया हूँ, घर से बाहर निकल गया है, निकाल दिया है मुझे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मंदिर में रहो। तो फिर मेरे को प्रभु मंदिर का आसरा मिला था रहने के लिए, और मैं मंदिर में 20 महीना रहा हूँ। मेरे से ही हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक VTS सिस्टम चालू किया था, वहां पे बच्चे जो यंग लड़के जो होते हैं वहां पढ़ाई कर रहे, पहला जो है जॉब करते हैं, और जॉब करके मंदिर में रहते हैं, और सुबह में मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं, जॉब में जाते हैं, रात को वापिस जॉब से आ जाते हैं। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम होम VTS स्टार्टेड, और मैं 20 महीना मंदिर में रहा हूँ, और वो हिसाब से मैंने फिर ये संघर्ष बेसिस मैंने चालू किया। डेफिनेटली संघर्ष किया है प्रभु जी, लाइफ बहुत टफ रही है, बट कृष्णा आ गया है ना, जब कृष्णा मिल गया ना प्रभु, बहुत ऊंची चीज मिली थी मुझे, और वो सच्चा चीज सच्चा सुख मेरे को मिल गया था, मैं ये सब बैर कर पाया था, और मैंने जिंदगी निकाली उस हिसाब से। That's quite inspiring कि आपने इतना बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लिया। तो दर्शकों आनंदन प्रभु किसी भी तरीके से किसी को भी ऐसा कोई डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बट ये हमें इनकी जीवन से जरूर समझ आता है कि हमें अपने जीवन में सही प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, हमारी भक्ति को देनी चाहिए। और जिस तरीके से इनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हर चीज हमारे पास आ जाएगी अगर हम भक्ति के साथ रहेंगे, और अगर हमारे पास भक्ति नहीं रही तो हमारे पास जो भी रहेगा वो चीज किसी भी फायदे का नहीं रहेगा। तो प्रभु जी आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि अब आपने इतना बड़ा डिसीजन तो ले लिया था, और मैं समझ सकता हूँ कि दैट वाज द हीट ऑफ द आर, आप भी निकल गए और आप आगे जाके मंदिर में रहने लगे, तो आपने फिर अपनी लाइफ को किस तरह से सेटल किया, और भक्ति ने आपको इस चीज में किस तरह से मदद की, इस चीज के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। प्रभु जी आई वॉज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। संघर्ष मैंने कभी भी लाइफ में ऑस्टेरिटी नहीं किया था, मैंने कभी भी ठंडा पानी से स्नान भी नहीं किया था, मैं कभी भी सुबह में 4 बजे उठा नहीं था, मैंने कभी भी जो है मेरा कुक जो है फुलका रोटी खिलाता था, वो फुलका रोटी अगर नहीं मिलता था तो मैं रोटी फेंकता था मेरे कुक के सामने, इस तरह से मेरी लाइफ स्टाइल थी। और ये सब मंदिर के अंदर आने के बाद में जो ऑस्टेरिटी करनी पड़ी मुझे, सुबह में 3:30 उस समय हमारी मंगल आरती जो है प्रभु 4 बजे होती थी, 4:30 बजे भी नहीं, तो मैं 3 बजे उठना पड़ता था, ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता था, जो प्रसाद मिलता था खाना पड़ता था, वो मैंने कभी भी नहीं किया था। इट वॉज अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ। लेकिन एक चीज मुझे मैं कह सकता हूँ दावा के साथ में, प्रभु जो प्रेम मुझे भक्तों का मिला ना, जो मेरे साथ में जो वहां पे भक्त लोग जो ब्रह्मचारी लोग रहते थे, उन्होंने इतना मुझे, उनको सबको पता था मेरे क्या पीछे का बैकग्राउंड है और मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ, वो सब लोग मुझे अकोमोडेट करते थे, वो सब मुझे अकोमोडेट करते थे कि नहीं इनको थोड़ा थोड़ा कंसेशन दे दो, ये खाने पीने में ये सब चीज में मुझे कंसेशन देते, मुझे समझ में आता था कि वो लोग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करते हैं और मुझे इतना प्रेम करते कि मुझे अकोमोडेट करते रहते हैं। प्रसाद में भी उनको बोलते ये तुमको नहीं जमेगा, ये ले लो ये ले लो ये ले लो।
वो हिसाब से मैं देख रहा था और इतना मुझे प्रेम मिला उधर से और इतना मेरे को कैरिंग नेचर मिला। प्रभु मैं आपको खती हकीकत में बोल सकता हूँ कि इतना संघर्ष होने के बावजूद भी आई वॉज ब्लिसफुल इन माई टेम्पल। मैं ब्लिसफुल था प्रभु जी, मुझे बहुत उसमें से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिला, मुझे इतना आनंद मिला मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कि मुझे लगा कि यहाँ ये चीज भले पैसा नहीं है तो मेरे पास ये भक्त तो है ना, इतने सुंदर भक्त लोग है, इतना प्रेममय आदान प्रदान हो रहा है, उनको मेरे से कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ देना ही है, ऐसा प्रेम मुझे कहाँ मिलेगा। आई कुड अंडरस्टैंड लव एंड केयर कैन टेक अवे ऑल माई सफरिंग्स, सब मेरा बाहर निकाल दिया। और उसमें मेरे को मैच्योरिटी भी आने लगी कृष्णा भावना मृत्यु। मैंने मेरे पिताजी माताजी के साथ में डीलिंग के अंदर गड़बड़ किया था क्योंकि मेरी इमैच्योरिटी में, जब भक्ति के अंदर बहुत पहले आते हैं तो बहुत इमैच्योरिटी करते हैं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा ना, माँ बाप का हृदय तोड़ा था मैंने, मुझे पछतावा आने लगा कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए। भले मैं मंदिर में रहता था, मेरे माँ बाप को मैं वापिस घर पे गया और मम्मी पापा को माफी मांगा, दंडवत प्रणाम किया, बोला मुझे माफ कर देना जो कुछ भी हुआ है, मैं स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी समझा है लेकिन मुझे तुम्हारा हृदय तोड़ने का हक नहीं है। वो हिसाब से आई आस्क फॉरगिवनेस, दिस इज हेल्प माय कृष्णा, ये मेरे को कृष्णा भावनामृत में दिया है प्रभु, इतना दे दिया। फिर बाद में कृष्णा ने इतना सुंदर लाइफ किया मेरे लाइफ में। प्रभु जी मेरे पिताजी की तबीयत एक समय बहुत खराब हो गई और मुझे मैसेज मिला गया कि पिताजी बहुत सीरियस हो गया है। मैं भाग करके ऑफिस से पिताजी को मिलने गया और मिलने के बाद मुझे पता चला कि उनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा, तो मैंने इमीडिएटली उनको लेकर के लेके आया भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के अंदर। ये आज से करीब 25 साल पहले की बात है। मैंने प्रभु जी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आईसीयू यूनिट में एडमिट किया, वैष्णव भी था, वैष्णव ने बहुत मदद किया और सब चीज उसको आईसीयू में सब ट्रीटमेंट देने का चालू करवा दिया। और तभी बाहर मुझे याद है आईसीयू के बाहर जो है हनुमान जी का मूर्ति थी, तब हनुमान जी के चरण पे मैंने हाथ रख करके बोला कि अभी दो चीज में से एक चीज होने वाला है मेरे पिताजी का, या तो वो ऊपर चले जाएगा या तो वो घर पे जाएगा, दो में से एक चीज होगा। जब दो में से एक चीज का डिसीजन जब तक नहीं आएगा ना तब तक मैं हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलूंगा। आई वॉन्टेड टू प्रूव टू माई फादर एज वेल एज टू कृष्णा के मेरे को जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका पछतावा करना है, मेरे को कृष्णा भक्ति डिस्टर्ब नहीं करनी अभी। और फिर मेरे पास जो कुछ भी पैसा था मैंने सब पैसा पिताजी के मेडिसिन के अंदर डाल दिया। मेरे पास जो कुछ भी, जो मुझे पैसा, अभी मुझे लगा कि ये मेरा बेस्ट टाइम है, मेरे को जो गिल्ट हो रही है वो गिल्ट को पूरी तरह से बराबर बाहर निकालने के लिए मैंने सब लगा दिया। और मेरे पिताजी में इतना फर्क देखा मैंने, मेरे पिताजी को समझ में आ गया कि ये लड़का कुछ अलग है, कृष्णा भावनामृत व्यक्ति को कहां लेके जा सकती है, यही लड़का कितना रफ एंड टफ था, मेरे लिए सब कुछ दे रहा है, अरे तन मन धन सब दे दिया उसने, मेरे लिए सब कुछ दे रहा है। और पिताजी अच्छे हो गए, पिताजी अच्छे हो गए और घर पे छोड़ दिया मैंने। और फिर मुझे इतना संतुष्टि, आज के दिन भी जब भी मेरा पिताजी का मुझे गिल्ट आता है ना तब मुझे, मैं कृष्णा से इतना ग्रेटफुल हो गया हूं, मुझे लग रहा है कि कृष्णा तुमने मेरे को ये सेवा करवा दिया, जो मेरा गिल्ट रहता था कि मैंने मेरा पिताजी के साथ में व्यवहार बराबर नहीं किया है, ये चीज की वजह से मेरा मृत्यु बिगड़ेगा नहीं, मेरा पीछे की जिंदगी बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकेट करने को मुझे कृष्णा ने तुमने मेरे को चांस दे दिया और मैंने मेरा सब पैसा लगा दिया, उसमें जो कुछ भी था मेरे पास सब पैसे लगा दिए, मैं फकीर हो गया। बट आई फेल्ट सो मच सेटिस्फाइड दैट आई गॉट ए चांस टू सर्व माय फादर। ये सब चीज हो गया क्योंकि मैं कृष्णा भावनामृत के अंदर आ गया था और जो है मेरे को भक्तों के संघ के अंदर ये सब चीज मुझे मिल गया। दैट वाज द रीजन। अमेजिंग। तो दर्शकों इसे हमें एक बहुत एक, अगर हमें एक सूत्र इस घटना में पकड़ सके तो वो ये रहेगा कि हम अपनी लाइफ में जब भक्ति करना चाहते हैं या कोई भी चीज करना चाहते हैं उस चीज को हमें काफी बैलेंस तरीके से करना चाहिए और काफी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए, जिससे कि हमारी फैमिली भी बैलेंस रहे और हर चीज बैलेंस रहे, जो कि आनंद वृंदावन प्रभु जी ने बहुत अच्छे से किया। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी आपके प्रोफेशन के ऊपर। आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और आपने इतने साल शेयर मार्केट में काम किया है, जहां तक मतलब ये तो एक बहुचर्चित चीज है कि शेयर मार्केट इज इक्वल टू टेंशन, इज इक्वल टू स्लीपलेस नाइट्स। तो आपने एक ऐसा प्रोफेशन इतने सालों तक किया है जो कि आम तौर पे एक स्ट्रेस भरा प्रोफेशन रहता है, तो आपने अपनी भक्ति को कि शेयर मार्केट के इतने टेंशन वाले बिजनेस के साथ किस तरह से मैनेज किया, क्योंकि जिस तरह से हम ये तो जान चुके हैं कि आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते थे और
जो आप प्रोफेशन कर रहे थे वो भी काफी डिफिकल्ट था भक्ति के लिए। वैसे तो बहुत आसान है जो उसमें पैसा कमाना चाहता है, बट आप भक्ति भी साथ में कर रहे थे, तो ये दो एक्चुअली एक ऑपोजिट चीजें हो जाती हैं, भक्ति और शेयर मार्केट। तो आपने दोनों को संगम कैसे किया और अपनी लाइफ में आपने उसको किस तरह से निभाया कि आपकी भक्ति भी इफेक्ट ना हो और आप अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ सके? प्रभु, I'll be serious little bit now. प्रभु, स्टॉक एक्सचेंज में मैंने बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि जब व्यक्ति भले कितना भी पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन जब उसको पता चलता है लोगों को कि यह फकीर आदमी है, इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, इसके पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो लोग उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उसके पास दूसरा कुछ है नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया है, मुझे पता चलता भी था, लेकिन मैं करूं क्या, मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन एक चीज मैंने बहुत सीरियसली लिया था, और जो आज के दिन मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूं जो शेयर बाजार में है या शेयर बाजार के बाहर में है, मैं एक सिद्धांत मेरे लाइफ के अंदर मैंने बहुत सिंपल, बहुत सीरियसली लिया था। मैंने मेरी लाइफ हमेशा सिंपल रखा था प्रभु, वेरी सिंपल लाइफ प्रभु। मैं 2000 स्क्वायर फीट के अंदर भले जू में रहता था, लेकिन मेरे पास जितना पैसा था उसमें से मैंने 340 स्क्वायर फीट की बोरीवली के अंदर एक फैग एंड बोरीवली से खाली चेक नाका एकदम बाजू में है वहां पे मुझे एक खोली मिली, वहां पे मैंने रहा हूं, और वहां पे 21 साल तक मैं वहीं पे रहा। मैंने कहां पर भी मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाया नहीं, मैंने मेरा सिंपल लाइफ ही रखा। मैंने जो है प्रभु कहां पर भी कोई एपरेटस, कोई डिज, कोई जो है गाड़ी या कुछ भी मैंने लिया नहीं। आज तक मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने लाइफ हमेशा पहले से सिंपल रखा। मैंने लोन नहीं लिया है अभी तक, मेरे को पता है कि लोन जो है आदमी को जो है मार देती है। आदमी 8 घंटा काम करता है, लोन का मीटर 24 घंटा चलता है, और जो हमेशा 24 घंटा जो चलता है वो 8 घंटे का मेहनत दिखता ही नहीं। मैंने लोन नहीं लिया है, मैंने दिखावाबाजी किधर भी नहीं किया है। ये सब चीज की वजह से भले मुझे एक्सप्लोर कर लोग करते थे, लेकिन मैं जो है प्रभु मेरी रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से मेरे को एंग्जाइटी नहीं आती थी। सिंपल लाइफ, कम पैसा आता तो मेरा खर्चा भी कम था, और मैंने एक चीज पक्का रखा था कि जितना पैसा मेरे पास आवे मेरा खर्चा कम से कम होवे, और मैक्सिमम पैसा मेरा सेविंग्स में जावे। इसके वजह से प्रभु जी, मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जितना कमा था उसमें से 20% ही मैं मेरा घर का खर्चा रखता था, और 80% मेरा इन्वेस्टमेंट में करता था, क्योंकि मुझे कॉर्पस बनाना था, मेरे पास कुछ भी नहीं था ना। तो मेरे को कॉर्पस बना, और बीइंग ए स्टॉक एक्सचेंज मैन और इतना एजुकेशन था, तो ऐसी जगह पे लगा था जिससे मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले, तो वो हिसाब से मैं डालते रहता था। अभी मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स आता है, एंग्जाइटीज आती थी, प्रॉब्लम्स आते थे, तो मुझे, मैं कृष्णा भावनामृत में तब तक सीरियसली फिक्स्ड अप हो गया था, तो तभी फिर मैंने मेरे राधानाथ महाराज, मेरे गुरु महाराज है, उनको बोल दिया था कि मुझे अभी शेयर बाजार में नहीं जाना, इतना पढ़ा लिखा हूं, किधर भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये भक्ति इसके लिए बहुत नाजुक है, मैं नहीं कर पाऊंगा इधर। तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत सीरियस इंस्ट्रक्शन दिया था कि नहीं, मुझे मेरी पूरी इच्छा है कि तुम स्टॉक एक्सचेंज में ही रहो, मुझे ये इच्छा है कि मैं दुनिया को बता सकूं कि ये बाजार में रहने के बावजूद भी व्यक्ति हाईएस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्टैंडर्ड फॉलो कर सकता है। मैंने बोला, लेकिन मैं उसके लिए लायक नहीं हूं, बहुत संघर्ष, इट इज लाइक ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैं नहीं कर सकूंगा इच्छा। तब उन्होंने प्रभु मुझे एक गुरु मंत्र बोला था, उन्होंने ये वाक्य कहा है मुझे कि मैं तुमको एक मंत्र बोलता हूँ, ये गुरु मंत्र अगर आप सीरियसली लाइफ में फॉलो करोगे तो मैं दावा के साथ में बोलता हूँ तुमको शेयर बाजार का अप्स एंड डाउन्स, एंग्जाइटी, प्रेशर, टेंशन, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं प्रभु मैन ऑफ टू सम एक्सटेंड मैन ऑफ डिटर्मिनेशन वाला आदमी हूँ। मैंने बोला मैं ले लूंगा महाराज, बता दो मुझे क्या करना है। तब उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुमको ये शेयर बाजार की एंग्जाइटी में से बाहर निकलना है और सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो एक चीज बराबर करना, तेरे को स्टॉक एक्सचेंज टावर में एंट्री भी नहीं लेना है जब तक तेरी पहली 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की ना हो। wow. ये मैंने पहला ही है, और आइडियल ये होना चाहिए कि तुम स्टॉक एक्सचेंज टावर में जाने के पहले या तो तुम भागवतम पूरी तरह से पढ़ लो, अच्छी तरह से, पूरी तरह से यानी आधा घंटा पौने घंटा पढ़ो, या तो भागवतम क्लास अटेंड कर लो, और हो सके तो भक्तों का, सिंसियर भक्तों का, स्पेसिफिकली उन्होंने खास मुझे बोला था कि रिनाउंस ऑर्डर ब्रह्मचारी और रिनाउंस ऑर्डर सन्यासी जो होते उनके साथ में इंटीमेट एसोसिएशन कर लो,
जिससे तुमको पता चले कि उधर रुपया है और इधर इसके पास कुछ भी नहीं है, ये आनंदित है और वहां पे दुखी है, जगह हृदय कहाँ पे तेरे को देना है, ये तेरा कन्विक्शन हो जाना चाहिए और फिर तू स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री लेना, वहां पे तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है तू, मैं रहता हूँ बोरीवली, राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में है, हो सकता है कभी कभी तू ना आ सके, तो पूरे दिन के अंदर भागवतम पढ़ लेने का है और एसोसिएशन रेगुलर कर लेना अगर उस दिन नहीं हो पाया तो। लेकिन एक चीज तो पक्का ही होना चाहिए, यू शुड नॉट एंटर स्टॉक एक्सचेंज टावर अनलेस अंटिल यू डोंट कंप्लीट योर फर्स्ट 16 राउंड्स अटेंटिवली फोकस्ड एंड इन वन सिटिंग इटसेल्फ। प्रभु, आई एम वेरी सीरियसली टेलिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन, ये मैंने मेरे लाइफ में बहुत ही सीरियसली ले लिया था। I am feeling, प्रभु जी, इट इज ऑल माई गुरु महाराज मर्सी, बट मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि पिछले 30 साल से ये मेरे को 29-30 साल हुआ था ये इंस्ट्रक्शन मिले हुए, मैंने प्रभु जी 30 साल के अंदर सिर्फ तीन दिन में स्टॉक एक्सचेंज में गया हूँ, मेरी 16 माला किए बिना। मैंने कभी भी जो है मैं घर से बाहर नहीं निकला हूं, या तो अगर मैं गोपीनाथ में हूं तो गोपीनाथ से बाहर नहीं निकला हूं, स्टॉक एक्सचेंज में मैंने एंट्री नहीं लिया जब तक मेरी पहली 16 माला खत्म नहीं हुई। और आई कैन से विद अ हार्डकोर कन्विक्शन राइट नाउ, प्रभु, मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मैं ऐसी फर्म में पार्टनर था, जेजी शायन कंपनी, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5वां नंबर आते थे क्लाइंटेल बिजनेस के अंदर, वहां पर मैं पार्टनर था और मैं रिसर्च एनालाइजर था। प्रभु, मैं बताता क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो मैं बताता था और लोग मेरे इंस्ट्रक्शन पे लोग सट्टा कर लेते थे, ले लेते थे, बेच देते थे, लेते थे, बेचते थे, और मेरे सामने मैं देखता था वो लोग करोड़ों रुपया, लाखों रुपया कमा लेते थे, खोते भी थे, कमाते थे, खोते थे, और मेरे सामने होता था। लेकिन प्रभु, आज मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि 30 साल हो गया मेरे को ये इंस्ट्रक्शन मिले और 32-33 साल शेयर बाजार में हुआ, मैंने अभी तक एक भी ट्रांजेक्शन सट्टे का किया नहीं है। दिस आई कैन से विद हार्डकोर कन्विक्शन। एंड वैसा नहीं कि मेरे में कुछ रुपया तो मेरा भूखा है बाबा, रुपया तो मुझे चाहिए था, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा था और इतना पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, सब चीज किया। लेकिन आई कैन डेफिनेटली से विद 100% कन्विक्शन, ये मुझे जो है ना प्रभु, एक मेरे को बड़ी शक्ति जो मिल रही थी ना, वो दैट वॉज हरिनाम। हरिनाम मेरे को इतना शक्ति दे दिया था और वो शक्ति के सहारे प्रभु जी मैं मंदिर ऑफिस में जाता था और भक्तों का कृपा, भागवतम और एसोसिएशन इतना मुझे शक्ति दिया था कि आज तक प्रभु मेरे को इतना बोला था, इट इज लाइक ए लोटस फॉर मी। प्रभु, मैं इतनी कचरा जगह पे था, मुझे असर नहीं हुआ है। हाँ, मैं भी पैसा कमाया हूं, मैंने भी पैसा कमाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके कमाया हूं, मैंने अच्छा पैसा कमाया। मेरा कन्विक्शन है प्रभु, सट्टे में पैसा नहीं मिलता इतना और टेंशन रहता है। पैसा कमाना मैं आपको बताऊंगा कैसे पैसा कमाना चाहिए, और पैसा कमा करके कृष्णा भक्ति भी सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए और पैसा ज्यादा भी मिलता है इसमें। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्ट्रगल किया, सिंपल लाइफ रखा, लोन नहीं लिया, लाइफ एकदम सिंपल रखा, मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टमेंट किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर बाजार में एंट्री नहीं लिया जब तक मेरी साधना पहली खत्म नहीं होती थी। और दैट वाज द सीक्रेट, आई कुड सर्वाइव इन दिस सच ए बैड मार्केट। आउटस्टैंडिंग। दर्शकों, हमारे जीवन में हम किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी नौकरी में हो, हम अपने जीवन में, शायद हमारे जीवन में शेयर मार्केट जितनी टेंशन हो या ना हो, बट हमारे जीवन में स्ट्रगल जरूर रहता है। और इससे आनंद वृंदावन जी के जीवन से हमें यह समझ आता है कि अगर हम अपने जीवन में भक्ति को प्रायोरिटी दें तो ये सारी स्ट्रगल्स अपने आप मैनेज कर लेती है भक्ति, और हमें एंड रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। तो आनंद वृंदावन जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं दर्शकों से एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि कुछ देर में हम क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करने वाले हैं। आप अपने क्वेश्चन रेडी रखिए, हम कुछ क्वेश्चंस के बाद ये क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करेंगे, जहाँ पे कि आप लाइव क्वेश्चंस आनंद वृंदावन दास जी से पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबको ये लिंक भेज सकते हैं, जिससे कि जो भी इस लाइव क्वेश्चन आंसर्स का फायदा उठाना चाहता है वो इसमें लाइव क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकता है। तो आनंद वृंदावन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप एक नॉर्मल तरह से दो धारणाओं के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली धारणा ये है कि अगर आप भक्ति में ज्यादा चले जाते हैं तो आप पैसा नहीं कमा पाते, और अगर आप पैसा ज्यादा कमाएंगे तो आपकी भक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी।
तो ये तो एक पहली धारणा है। तो आपने इस चीज को किस तरह से मैनेज किया, काफी हद तक आपने हमें बताया कि कैसे मैनेज हुआ, बट मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा और बताएं कि इन दोनों चीजों को बैलेंस कैसे किया जाता है लाइफ में। और दूसरी धारणा जो लोग अपने जीवन में रखते हैं वो ये है कि यार ये भक्ति जो चीजें हैं ये तब की, तब जब हम बूढ़े हो जाएं, जब हम अच्छे से पैसा कमा चुके हों, ये तब की चीजें हैं। भक्ति आपने तो शायद 19-20 साल से आप बड़े सीरियस हो गए थे, 23 साल से शायद आप बहुत सीरियस हो गए थे, काफी यंग एज थी भक्ति करने के लिए। तो भक्ति लोग ऐसा सोचते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे आराम से जब हमारे पास कोई टाइम नहीं होगा, तो ये दो धारणाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं, मैं इस चीज के बारे में चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। प्रभु जी, प्रलोभन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत आते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरे को हरिनाम ने बहुत प्रोटेक्ट किया है, फिर भी मुझे एक चीज कहना दे, मुझे कह देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत शुद्ध व्यक्ति हूँ, मैंने भी संघर्ष किया है। मैं एक जगह पे प्रलोभन में फंस गया था और मुझे देवामृत प्रभु ने बचा लिया था। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, भले मेरे को 5 मिनट ज्यादा हो गए, बट दिस विल इंस्पायर डिवोटीज आल्सो कि एसोसिएशन व्यक्ति कहाँ तक बचा पाता है। प्रभु, मैं जेजी शाइन कंपनी, जैसे मैंने बताया, वहां पे मैं पार्टनर था, आईपीओ संभाल रहा था। मेरा एक दूसरा मित्र था जो केतन करके लड़का था, वो भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसको ही थोड़ा बहुत मैंने समझाया भी स्टॉक एक्सचेंज का, और वो थोड़ी लाइन जो है, इट वॉज नॉट ए लीगल लाइन, मीन्स थोड़ा उल्टा सीधा करके बहुत पैसा बन सकता था। वो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गया, इसलिए मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि अपने से नहीं होता ये। लेकिन वो व्यक्ति के पास कृष्णा भावनामृत नहीं थी, तो उसने उसमें बड़ा छलांग मार दी और बहुत पैसा बनाने लगा। तो उसको ऐसा लगा कि ये लाइन तो इसने मुझे दिखाई थी, तो क्यों ना मैं इसको ही ले लूं, और इसको लेकर के जो है हम और बिजनेस बढ़ा करके और पैसा बना ले। तो उसने जो है प्रभु मुझे एक ऑफर दिया फिर कि तुम ये क्यों चढ़ते हो, इधर क्यों पड़े रहते हो, तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ एज ए पार्टनर ज्वाइंट हो जाओ, और मैं तुमको, हम दोनों बड़ा फ्लरिश कर देंगे बिजनेस। बोला लेकिन ये थोड़ा उल्टा सीधा है, ठीक है, अभी सब पैसे से सब चीज निकल जाती है, निकाल दे दिया। शॉक टू नो प्रभु, उस समय मैं बहुत ज्यादा कुछ पैसा नहीं कमा रहा था, मैक्सिमम 25,000 से 50,000 के बीच में महीने का कमा रहा था। और प्रभु, उन्होंने मुझे 2.5 करोड़ रुपया पर मंथ का ऑफर दिया था। बाप रे। It was from 25,000 to 2.5 करोड़। पहला तो मुझे कितना जीरो ऐड होता है वो पहले समझ में नहीं आया, आगे कितना जीरो होता था। और मैं कृष्णा भावनामृत में था प्रभु, तो और हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर की शुरुआत ही चल रही थी, तो शुरुआत की चल रही थी, होने की वजह से मैं सीधा देवाप्रत प्रभु के पास चला गया। उनको बोला, प्रभु बस अभी चिंता मत करो, इधर से मैं ज्वाइंट हो जाता हूँ, इधर से जो पैसा आएगा ना पहले मंदिर को दे दूंगा, 50% पहला मंदिर को आएगा, बाद में मैं लेके जाऊंगा। और मेरी भी अंदर से बड़ी झंकना थी प्रभु, आई वॉन्टेड टू बी अहेड ऑफ माई फादर पैसे के मामले में, क्योंकि वो खून में था ना बनियागिरी, मुझे जल्दी पैसा भी बनाना था और मुझे ये अच्छा चांस मिल रहा है, और वही सामने से ऑफर आ रही है, और फ्रेंड ही है, कोई हवा में बात नहीं कर रहा था, इतने सालों से कर रहे थे और अच्छा काम कर रहा था। तो मैंने प्रभु जी बोल दिया कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो देवामृत प्रभु को ये जब सब पता चला कि ये है, उन्होंने बोला कि नो, यू शुड नॉट गो फॉर दिस, बिकॉज इट इज नॉट ए लीगल बिजनेस, इट इज नॉट ए जेन्युइन बिजनेस, ये नहीं करो। मैंने बोला लेकिन प्रभु सब पैसे से हो जाता है। नहीं, मंदिर को पैसे की गरज है, मैं पैसा दे दूंगा ना, कोई खटखटबाजी नहीं होगी, प्रचार ज्यादा होगा। तब उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला, मैं अभी तक लाइफ में भूला नहीं हूं मैं प्रभु, उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला, कृष्णा वॉन्ट्स योर डिवोशन, ही डजंट वॉन्ट योर मनी, कृष्णास वाइफ इज लक्ष्मी, ही हैज सफिशियंट मनी विथ हिम, ही वॉन्ट्स डिवोशन फ्रॉम मी। मुझे जो है 6 दिन, मुझे अभी भी याद है, 6 दिन में रात को सो नहीं पाया कि क्या करूं यार, ये व्यक्ति ना बोल रहा है, ये ऑफर इतनी बड़ी है, मैं कैसे छोड़ दूं। फिर बाद में 6 दिन के बाद में रोज जपा बपा बराबर करते करते इंटेंसली कृष्णा से प्रार्थना कर रहा था, मुझे संभाल लो संभाल लो। फिर बाद में प्रभु मेरे को हुआ कि नहीं, मेरे बाप का पैसा मैंने रुपये के लिए छोड़ा है, कृष्णा के लिए, मेरे बाप का पैसा इतना कृष्णा के लिए छोड़ा और वापिस पैसे के लिए चला जाता हूं, तो मैं मूर्ख हूं, मैंने क्या किया, ये माया ने मेरे को इसी तरह से मार दिया, दिस इज नॉट द वे, आई एम चीटिंग माई सेल्फ, माया इज ट्रैपिंग मी।
और मेरे को मेरा खास मित्र जिसको मेरे मेरे को इतना उनके पर रिस्पेक्ट है वो मुझे ना बोल रहा है, दैट मीन्स कृष्णा डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट आउट। प्रभु बहुत हिम्मत के साथ में मैं गोपीनाथ के सामने, हमारे सामने फाउंटन था, वो फाउंटन के सामने मेरे को डर लग रहा था मैं ना कैसे बोलूंगा उधर, तो मैंने वहां पे पानी लिया वो फाउंटन से और गोपीनाथ के सामने पानी छोड़ा, गोपीनाथ मैं ना बोलूंगा मैं तुमको प्रॉमिस दे रहा हूँ। और वहां से मैं प्रभु जी गया और फिर मैंने बहुत हिम्मत के साथ में प्रभु बोल दिया कि नो आई डोंट वॉन्ट दिस ऑफर, आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई हैव। इतना रिलैक्स हो गया, इधर बोलते हैं ना 50 करोड़ किलो का बर्डन सिर पे होता है और फट करके बाहर निकाल दे तो कितना रिलैक्स हो जाते हो, ऐसा मैं रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो जाने के बाद में डेफिनेटली वो व्यक्ति मेरे से बहुत आगे निकल गया, बहुत पीक पे चला गया और वो हमेशा मुझे बोलता था कि तेरे को हरे कृष्णा ने पागल कर दिया, तू पूरा आउट ऑफ द ट्रैक चला गया है। लेकिन मुझे इधर इतना आनंद आ रहा था कि आई डिडंट केयर एनीथिंग अबाउट हिम। बाद में 7-8 साल के बाद में एक बड़ा न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 बड़े स्कैम हुए हैं, हर्षद मेहता, केतन पारेख और तीसरा, 3 स्कैम हुए थे। उसमें जो तीसरा जो स्कैम था उसमें वो व्यक्ति वॉज मेन पर्सन और वही उसके वजह से वो स्कैम निकला, और वो स्कैम निकलने के बाद में ही वॉज बीन डेफिनेटली इन द प्रिजन, सब चीज मैस चला गया उसके लाइफ में। तभी उसने जब मेरे को, उसने अपनी पत्नी के साथ में मैसेज छोड़ा मेरे लिए कि उसको अशोक को बोला कि मैं तो अभी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया लेकिन वो बच गया क्योंकि उसके पास कृष्णा आ गया था, मेरे पास कृष्णा नहीं था इसलिए मैं लोभ में फंस गया। मैं प्रभु उस समय मेरे लाइफ के अंदर एक कन्विक्शन आ गया, स्टार कोर कन्विक्शन आ गया कि एसोसिएशन व्यक्ति को कहां तक लेके जा सकता है। अगर ये एसोसिएशन मेरे को देवामृत प्रभु का नहीं होता था तो प्रभु मैं कहां होता था आज, मैं आपके सामने नहीं बैठा हुआ था, मैं अभी जेल में होता था। रुपया मेरे को कहां तक लेके जाता था, बड़े बड़े BMW ने ये ने वो सब चीज मेरे पास होती थी लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस पूरी डिग्रेडेड होती थी। प्रभु ये एसोसिएशन ने मुझे कहां से कहां बचा दिया है। इसलिए मेरा एक कन्विक्शन, मैं हमेशा कृष्णा को बोलता हूँ, कृष्णा आपने मेरे को बहुत पैसा दिया, बहुत प्रॉस्पेरिटी दिया, पॉपुलैरिटी दे दिया, लेकिन अगर उसके सामने अगर तुमने मेरे को अच्छा भक्तों का संग निकाल दिया ना तो तुमने मेरे को कुछ दिया नहीं, मेरे पास से सब कुछ ले लिया है। और अगर तुमने मेरे पास से सब कुछ ले लिया लेकिन सामने एक जिन्यून डिवोटी का संग दे दिया ना, तुमने मेरे पास से कुछ नहीं लिया, तुमने मेरे को सब कुछ दे दिया। दिस इंसिडेंट हैज मेड मी सो मच फोकस एंड फिक्स्ड अप एंड आई अंडरस्टूड मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन माय लाइफ इज अ स्ट्रांग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसमें मैं प्रलोभन से बच गया प्रभु। और फिर मैंने जो है, वैसे भी लाइफ सिंपल थी, बहुत फोकस करके मेरा कॉर्पस बना के जाता था, मेरा अच्छा कॉर्पस बन गया क्योंकि 80% में पैसा खाली में मेरा कॉर्पस में बना के जाता था और पैसा बनाते गया, बनाते गया। और उसके वजह से जो है प्रभु, आई ऑल्दो द टफ टाइम हैड कम, डिफिकल्टीज आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आई केम अप ऑन द पीक। मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। I can tell you with 100% conviction, Prabhu, right now, मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया है, मुझे एक राता कोड़ी भी पैसा कमाने की गरज नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे दिया है। This is only because of strong association, strong sadhana, and a very focused Krishna conscious life. That doesn't mean मैंने पैसा नहीं कमाया, प्रभु मैंने पैसा भी बराबर मेहनत किया है, लेकिन मैंने कृष्णा को पहली प्रायोरिटी करके पैसा कमाया, इसमें मेरी कॉन्शियसनेस भी अच्छी रही और पैसा भी आ गया। अभी रहा सवाल के जवानी में क्यों करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ प्रभु, दावा के साथ में कह सकता हूँ, अगर मेरे पास जवानी में अगर कृष्णा नहीं होता था तो प्रभु मैं कुछ ऐसी भूल कर लेता था जो भूल की वजह से मैं पूरी जिंदगी पछताता था। आज के दिन जवान बच्चे लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनेट ने, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, क्या क्या मसाला चल रहा है, और उसके अंदर अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है, उसने एक छोटा स्टेप ले लिया, प्रभु पूरी लाइफ वो पछताएगा। और कृष्ण भावनामृत प्रभु उसको बचा लेता है, उसको कंट्रोल में रखता है, और आज के दिन मैं कह सकता हूं कि वो मैं बच गया, इसके वजह से आई एम रियली रिलिशिंग माई कृष्ण कॉन्शियसनेस, आई एम रिलिशिंग माई लाइफ, आई एम कृष्ण, मेरे ड्यूटीज मेरे सामने, आई एम रियली most happiest person in my Krishna consciousness, kyunki maine wo phase nikal diya. So it is not
necessary that you have to come and accept in old age. In fact, more than old age, it is very much required to accept Krishna consciousness in young age to keep your spiritual life very mature, focused, committed. And that will help you to mature your human form of life. And at the right time, you can wind it up and make a very focus in your Krishna consciousness subject to you have a young age ke andar hi tumne Krishna consciousness bhi hai. Amazing. Sorry, बहुत ज्यादा हो रहा है प्रभु, मैं ज्यादा ही बोलते जा रहा हूँ, टाइम बहुत निकल गया और क्वेश्चन आंसर मुझे पक्का पता है बहुत रहेगा और टाइम हमारे पास कम है मुझे anyway, चलो बोलिए प्रभु जी। दर्शकों, इससे हमें एक चीज समझ आती है कि हमें अपने जीवन में अगर हमारे भक्तों का संग रहे, कोई मेंटर रहे हमारी लाइफ में, तो जो हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं, जो ऐसे डिसीजन आते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, उसकी सही गाइडेंस हमें मिल सकती है। और दूसरी चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें अपने जीवन में भक्ति को काफी शुरुआत से टाइम देना चाहिए ताकि हमारा पूरा जीवन उसमें समर्पित हो सके। तो मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आनंद वृंदावन जी से, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। मैं देख रहा हूँ काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। पक्का पता है प्रभु, क्वेश्चंस बहुत रहेंगे और मुझे मालूम नहीं कितना मैं जस्टिस दे पाऊंगा। फटाफट चलते हो, चालू करिए, मुझे भी बोलना बहुत है प्रभु, बट एनीवे चलो बोल रही है प्रभु। मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज इतने सालों बाद कृष्णा भक्ति में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज आप किस तरह से सर्विस देते हैं लाइफ में, आप अपने आपकी दिनचर्या क्या होती है, इस चीज के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। प्रभु, मैंने पैसा कमा लिया है। मैं जेजी शाह में काम कर रहा था 19 साल, वहां पे वी वर, मैं आईपीओ मैनेज कर रहा था। आईपीओ में भी वी हैव एट द पीक हम लोग 14 नंबर 14th रैंकिंग आता था हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और 35th रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया में आता था। वहां पे मैंने 19 साल काम किया और बाद में मैंने मेरा खुद का फर्म चालू किया समृद्धि इन्वेस्टमेंट करके। इट इज ओनली फोकस ऑन म्यूचुअल फंड, मैंने म्यूचुअल फंड का ही बिजनेस चालू किया था। म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने बहुत वो फील्ड, वो उसमें प्रोप्राइटरशिप मेरा खुद का बिजनेस है। 2003 में मैंने चालू किया, मेहनत बहुत किया, आज के दिन 3000 क्लाइंट्स आर देयर इन माय फर्म हु आर डूइंग बिजनेस विद मी ओनली, इन्वेस्टिंग इन माय फर्म, इन्वेस्टिंग थ्रू मी इन ऑल म्यूचुअल फंड्स। हम थोड़े साल पहले प्रभु वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी कृष्णा ने मुझे बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी ये दे दिया था कि प्रभु पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर वेस्ट जोन जहां पे मैक्सिमम म्यूचुअल फंड का बिजनेस आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, वो सब वेस्ट जोन के अंदर जहां पे मोर देन 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसमें मेरा पहला नंबर आया है हाइब्रिड फंड में कलेक्शन के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे एक मैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला गया है। Wow. कि बस बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन इन म्यूचुअल फंड टू गाइड द पीपल, मुझे अवार्ड मिला गया, विच इज ए वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। मैंने खाली भक्ति नहीं किया है, मैंने इंडस्ट्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम द बेस्ट पर्सन इन म्यूचुअल फंड टू गाइड द पीपल। ये सब हो जाने के बाद में, उसके पहले ही जो है प्रभु, जब मेरी शादी हुई थी, मैंने डिवोटी लड़की के साथ में ही शादी किया, मेरे गुरु महाराज और देवामृत प्रभु ने मेरी शादी करवाई है। तो उस समय ही जो है मेरे गुरु महाराज को पूछ लिया था प्रभु कि मुझे जो है व्हाट इज एन आइडियल गृहस्थ लाइफ, गृहस्थ लाइफ आइडियल क्या है। तो मेरे गुरु महाराज ने पूरी तरह से एक वाक्य बोला था जो आज के दिन मैंने कभी भी भूला नहीं। उन्होंने कहा है, आइडियल गृहस्थ लाइफ इज दैट गृहस्थ लाइफ who before entering grahastha life, he has planned his vanprastha life first and then entered grahastha life. तो प्रभु, मेरी पत्नी, हमारी शादी होने के पहले हम लोग ने नक्की कर लिया था कि either this figure or this age, जो पहला आएगा, और तब तक मेरी कृष्ण कॉन्सियसनेस की भी मैच्योरिटी ले लूंगा मैं, जो पहला आएगा तब मैं मेरी प्रोफेशन को हरिबोल कर दूंगा क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है। तो हम दोनों ने एग्री किया, माय वाइफ हैज रियली सपोर्टेड मी, आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। मेरे को पूरा उन्होंने सपोर्ट दिया कि ठीक है, दिस इज परफेक्ट। प्रभु जी, कृष्णा ने मेरे को एज पहला ही पैसा दे दिया, एज बाद में आया, बहुत जल्दी ही पैसा दे दिया। और एज हो जाने के एक उसका पैसा आ गया तो मैंने नक्की किया अभी दुकान बंद कर देना है, तभी अवार्ड्स आए प्रभु जी, आई स्टूड फर्स्ट एंड आई गॉट द मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। लेकिन मैंने वो नहीं, अभी पास खत्म हो गया मेरा, मुझे अभी चाहिए नहीं। मैंने कृष्णा को प्रॉमिस दिया है, मेरे को, मैं स्टॉक एक्सचेंज में नेम फेम के लिए नहीं जाता था, उधर रुपया कमाने के लिए जाता था, और मेरे को कृष्णा ने रुपया दे दिया। अभी देखो कृष्णा ने क्या किया, मेरा लड़का जो है रघुनाथ, एक ही लड़का है मुझे, वो जो है सीएफपी करके कोर्स होता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो जो है प्रभु वो कोर्स मुझे करना चाहिए था, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं वो लोग को करना चाहिए, मुझे अभी बहुत ग्रास्पिंग नहीं हो रहा था मुझे, तो उसने किया और उसको बहुत जल्दी एडमिशन दे दिया गया क्योंकि उसके खून में वही था ना, क्या वही बिजनेस था, तो ही वाज बीन गिवन अर्लियर एडमिशन।
ही कंप्लीट, उसमें फाइव एग्जाम्स होती है, इंटरनेशनल एग्जाम्स होती है उसके अंदर, तो वो फाइव एग्जाम्स उसने 10th स्टैंडर्ड के बाद में एडमिशन मिल गया उसको, 12th के पहले उसने खत्म कर दिया। एंड ही वॉज उस दिन, यहाँ पे हमारे कुछ 32,000 CFP है, ही इज बीन अवॉर्डेड द यंगेस्ट CFP इन इंडिया, वाओ, वो यंगेस्ट CFP हो गया। तो फिर जो है उस समय मेरा जो है अवार्ड मिला मुझे प्रभु जी, तो मुझे हुआ कि अभी अवार्ड आया है, अभी अपना तो दुकान बंद करना है। तो फिर मंदिर में मेरे, हमारे मंदिर के जो सीनियर ब्रह्मचारीज एंड देवामृत प्रभु एंड ऑल ऑफ देम, दे हैव डिसाइडेड कि इतना तुम्हारा पोजीशन आ गया, इतना स्टेटस आ गया है, और लड़का भी वो यही स्कीम के अंदर दिखा रहा है, तुम दुकान बंद मत करो। मैं बोला लेकिन मैंने प्रॉमिस दिया है गोपीनाथ को, मेरा काम खत्म हो गया, रुपया आ गया अपने पास। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम जो है अभी सिर्फ 2 दिन ऑफिस में जाओ 4 घंटे के लिए, और स्टाफ तुम्हारा बराबर अच्छे है वो मैनेज कर लेंगे। तो फिर मैं 6 साल तक खाली 4 घंटा ही ऑफिस गया हूँ, पैसा अच्छा बना दिया, तो उसमें भी बिजनेस बढ़ गया क्योंकि लोगों को विश्वास आ गया था मेरे पे, ट्रेमेंडस फेथ पीपल हैव इन मी, बिकॉज दे कुड सी इट दैट दिस मैन इज नॉट अ पर्सन हु इज जस्ट आफ्टर मनी। तो वो प्रभु जी हम लोग फिर बहुत आगे निकल गए। फिर मेरा लड़का ने CFA खत्म किया, ही CFA किया, CA का भी, इंटर का दोनों ग्रुप खत्म कर लिया, BCom खत्म करके वो तैयार हो गया। जैसा वो आ गया ऑफिस में ट्रेनिंग ले करके, उसी दिन मैंने मेरा स्टाफ को बोल दिया मेरा काम खत्म हो गया है, अभी मैं जो 2 दिन भी ऑफिस में आता हूँ सिर्फ अभी 1 ही दिन ऑफिस में आऊंगा, और वो भी 3 घंटे के लिए आऊंगा, खाली फाइनेंस में संभाल रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा करोड़ों का वातावरण रुपया है, इतना जल्दी इतना यंग बच्चे को देना नहीं चाहता हूँ, वो मैं संभालूंगा, ऑपरेशन में छोड़ देता हूँ, मुझे करना नहीं है। तो प्रभु फिर बाद में जो है मैंने मेरा लाइफ कंप्लीटली फोकस कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर लिया। मेरे को जो है अभी मैक्सिमम मेरा हो गया पैसा, भगवान ने मेरे को सब दे दिया है, तो अभी जो है मेरा सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अभी जो है प्रभु मेरे पास बहुत फाइनेंस का नॉलेज होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर प्रभु हमारे सब गुरु भाई गुरु बहन इस्कॉन के बहुत डिवोटीज बहुत दुखी है। मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कितने लोग आकर के मेरे साथ बात करते हैं कि इतने प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लिकेशन, लोगों ने उतना उनको चीट किया है, उनको किसी ने एडवाइस अच्छा नहीं दिया है, उतनी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। तो मैंने ये अच्छा निर्धार कर लिया है कि मुझे इन लोगों की सेवा करनी है एब्सोल्युटली सेल्फलेसली, क्योंकि ये चीज जो है बहुत कम व्यक्ति कर सकेंगे, और मुझे कृष्णा ने यह नॉलेज दिया है तो मैं सबकी ये सेवा करूं, सेल्फलेसली सेवा करूं, और साथ में मुझे जो है हरि नाम लेते रहूंगा। एक बार जो हरि नाम और वैष्णव सेवा ये दोनों चीज पे फोकस करता रहता हूँ, और अभी मेरी लाइफ उसी में जा रही है। वी हैव गिवन, मैंने बहुत लेक्चर्स दिए हैं इसके बारे में, और दोस लेक्चर्स आर वेरी फेमस इन, मेरा यूट्यूब का एक चैनल है उसके अंदर जाता है, लोग बहुत सुनते हैं और उसमें से एडवाइस लेते हैं और अपनी लाइफ पूरी मोल्ड करते हैं। मेरा दावा है सब लोग को, मैं पूरी कन्विक्शन से मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, व्यक्ति सिर्फ 20 साल ही काम करना चाहिए उसको, अगर उसको 20 साल अगर बराबर वो काम करेगा तो परमानेंटली सब्जेक्ट टू उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट बराबर होते जाना चाहिए, तो अगर वो बराबर टेस्ट है तो 20 साल के बाद में वो परमानेंटली रिटायर हो सकता है और अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस पर पूरा फोकस कर सकता है। सिर्फ सब्जेक्ट टू, उसका बड़ा ड्रीम नहीं होना चाहिए, उसका बहुत बड़ा बड़ा एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस ही फोकस होना चाहिए। ये एडवाइस मैं पूरी दुनिया को दे रहा हूँ, और अपनी स्पिरिचुअल, वो लोग की सबकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी नर्चर हो रही है, और मुझे इतना आनंद होता है प्रभु, आई कैन टेल यू फ्रॉम माय हार्ट, जब डिवोटी आते हैं मेरे पास तो रोते हैं, इतने रोते हैं, इतने फंस गए रहते हैं और रोते हैं, उनको देख करके मुझे बहुत तकलीफ होती है कि क्या मैं इसके लिए करूं, और सब प्लानिंग करके सब सेटल करने के बाद में जब वो जाते हैं तभी भी रोते हैं, तो मतलब अभी क्या है प्रभु, सब हो गया आपका, सब खत्म हो गया है। तब जब वो एक वाक्य बोलते हैं वो मुझे इतना हिला देता है, प्रभु पहले वो दुख का रोना होता था और अभी वो जाता वो प्रेम का रोना होता है, तुमने हमारी लाइफ चेंज कर दी। वाह प्रभु, ये जो है ना मुझे इतना आनंद आता है ना कि उतना मुझे पैसे कमाने में भी आनंद नहीं आता था, ये इतना आनंद और इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे कि ले लो अभी मेरे पूरी जीवन ले लो और भक्तों की सेवा में चला जा, और वो जो आनंद है ना उससे, उसको जितना आनंद होता है ना उससे ज्यादा आनंद मुझे होता है कि मैंने कुछ सेवा किया एक भक्त की और absolutely selflessly उसका किया, और वो अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस पे ज्यादा फोकस और फिक्स्ड हो जाएगा और मैं कुछ उसके लिए कर पाया। सो दिस इज द लाइफ आई एम स्टेइंग राइट नाउ। आई थिंक आई हैव टू एंड इट, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आई वांटेड टू स्पीक बट आई विल नॉट स्पीक नाउ। एक घंटा हो गया। हां बोलिए प्रभु जी, अभी नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। हमें इतना सब अब समझ आया है कि आनंद वृंदावन दास जी ने अपने जीवन में
इनिशियल डेज में जिस चीज को छोड़ा था उस चीज को उन्होंने अपने जीवन में अबंडेंस में पाया है और सेटिस्फैक्शन के साथ पाया है। और उससे प्रभु इफ यू डोंट माइंड, प्रभु इफ यू डोंट माइंड, मैं 5 मिनट ज्यादा लेना चाहता हूँ। मुझे मालूम है आपका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज बताना था जो मैं इसमें आपका क्वेश्चन आंसर्स में अगर नहीं होगा तो भी मुझे एक चीज पक्का बताना है कि मैंने कृष्णा भावनामृत से अभी क्या पाया है। प्लीज प्रभु अगर आप अगर चेक करेंगे ना तो आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। आज मेरे पास हाईएस्ट डिग्रियां है जो लोगों के पास हार्डली होती है। मेरे पास अच्छा पैसा है जो हार्डली लोगों के पास इतना अच्छा होता है। आई एम वेरी हैप्पी इन माई फैमिली लाइफ। आई एम सेइंग विद हार्डकोर कन्विक्शन। माई वाइफ हैज गिवन मी कंप्लीट सपोर्ट। इन द बिगिनिंग डेफिनेटली मैं रिजिड था बहुत ही, तो वी हैड क्लैशेस, बट बाद में जो है कृष्णा भावनामृत ने इतनी मैच्योरिटी दे दिया। आई ट्राइड टू एडजस्ट माई सेल्फ वेरी नाइसली एंड राइट नाउ आई हैव अ वेरी वेरी लविंग फैमिली लाइफ। My son is wonderful devotee. He's already been initiated. In fact, at the age of 21, he has got Brahman Diksha also. And he's completely focused in deity worship, Prabhu. Hardly Radha Gopinath Mandir mein dresses banata hai, dressing karta hai, roj kaun sa dress Gopinath ko pehna hai, wo decide karta hai. Itna committed uska family, means completely, I'm very happy with him. We have generation gap problem. Definitely, har ek family mein hota hai. Generation, uska thinking, mera thinking nahi, barabar jamta nahi hai. Lekin main theme, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का है वो ट्रिमेंडस सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है उससे। तो प्रभु पैसा मिला है, एजुकेशन मिला है, फैमिली मिला है, अच्छा पोजीशन भी मिला है प्रभु जी, म्यूचुअल फंड्स में इतना पोजीशन मिल गया है, मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, सब चीज मिल गया है। हेल्थ प्रभु मेरी इतनी हालत का, अस्थमा का प्रॉब्लम वो सब है, लेकिन मैं आई कैन मैनेज माई सेल्फ। मैं कुछ जो भी करना है मैं कर सकता हूँ, डिसिप्लिन लाइफ रख करके। मैं समझ रहा हूँ प्रभु ये सब चीज मेरे पास है, तो आई शुड थिंक मेरे को ऐसा लगना चाहिए आई शुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन एंड विच आई एम राइट नाउ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू से इज प्रभु, ये सब होने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा था मैं हैप्पीएस्ट आदमी होने वाला हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मजा नहीं है इतनी, इतना नहीं मजा है। मैं खाली ब्रह्म में था, माया मार रही है इधर, क्योंकि ये सब होने के बाद में भी मेरे को टेंशन है कि कभी भी चला जाएगा। एजुकेशन मेरे को बहुत अच्छा मिला, लेकिन अभी मेरा याद शक्ति नहीं है इतनी पहली जैसी। मेरे को लोग बोलते हैं और इतना भी नहीं समझ, मैं टेक्नोलॉजी मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, तो मुझे मैं इतना एजुकेटेड था लेकिन अभी तो मैं गवार जैसा दिख रहा हूँ। मेरे पास पैसे बहुत भगवान ने दे दिया, जितना दिया मेरे लिए, लेकिन मेरे को हमेशा डर लगता है चला जाएगा। तो अब कोविड के वक्त 42% मार्केट क्रैश हो गई थी, तो टेंशन आ गया, अरे प्रॉपर्टी पैसा तो आधा हो गया, टेंशन आता है। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है लेकिन डर लगता है, पत्नी आज के दिन बहुत अच्छी है, मेरे को इतनी सेवा कर रही है, लेकिन हम दोनों तो साथ में ऊपर नहीं जाएंगे, पत्नी पहले चल गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। लड़का बहुत ओबीडियंट है ना, मेरा सेवा करता है ना, सब बराबर, फैमिली लाइफ अच्छी है, लड़के की शादी हुई और लड़की अच्छी आई नहीं तो मेरा क्या होगा। प्रभु जी ये सब चीज जो है मेरे को इतना टेंशन देती है। आज के दिन मैं ब्लिसफुल हूँ लेकिन वो विचार आते तो मैं हिल जाता हूँ, तो मुझे लगता है मैं हमेशा विचार करता हूँ कि मेरे को क्या पाया मैंने, सब चीज तो मैंने मेरे को मिल गई है, सब चीज मेरा हैप्पी हूँ, सब अभी करने को उससे ज्यादा क्या चाहिए, सब मेरे को भगवान ने दे दिया है, ये देने के बाद में भी ये टेंशन क्यों। तब मुझे समझ में आया कि ये तो सबका प्रॉब्लम है। तभी मैं मेरे गुरु महाराज के पास जा करके पूछा इसका सॉल्यूशन क्या है, सब ये सब होने के बाद में भी ब्लिसफुल नहीं हूं, ब्लिसफुल चाहिए मुझे, ब्लिसफुल होना है मुझे, आनंदित हमेशा रहना है मुझे, इसके लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। तब उन्होंने बोला कि तेरे को कोई शेल्टर नहीं है और वो ऐसा शेल्टर होना चाहिए जो तेरे को हमेशा सपोर्ट देता रहे। उन्होंने बोला वो क्या शेल्टर है प्रभु महाराज, क्या है वो शेल्टर, यू हैव टू डेवलप ए वेरी सीरियस टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, सीरियस टेस्ट हरि नाम का ले लो और वो टेस्ट ऐसा तुमको शेल्टर दे देगा कि इधर कोई भी तकलीफ भी आएगी ना तो तुमको वो शेल्टर इतना तुमको सपोर्ट दे देगा कि तुम उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। मैंने प्रैक्टिकल, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ भाई, मैंने जो है बराबर देखा जिस दिन मेरा अच्छा जपा होता है उस दिन कितनी भी तकलीफ आती है आई कैन एब्जॉर्ब इट, लेकिन जिस दिन मेरा जपा अच्छा नहीं और छोटी सी तकलीफ आएगी तो मैं हड़बड़ा जाता हूँ। तब मुझे समझ में आया मोर देन एनीथिंग एल्स आई हैव टू टेक वेरी फोकस इन शेल्टर, टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। और फिर मेरे गुरु महाराज ने बोला एक बार शेल्टर लो और एक बार सिंसियरली वैष्णव की सेवा सेल्फलेसली करते रहो, ये दो तुम करेंगे तो तुम्हारे में अंदर इतना शेल्टर और इतना अंदर से भक्ति के अंदर इतना तरबोड़ हो जाओगे कि आगे की लाइफ में कोई तकलीफ भी आएगी ना तुमको लगेगा क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे पास कृष्णा है ना,
आई हैव कृष्णा विथ मी, आई डोंट हैव टू वरी. तो प्रभु आई कैन टेल यू राइट नाउ विच ईच एंड एवरी दोज हू आर हियरिंग एंड लिसनिंग टू दिस लेक्चर्स, प्रभु टेक्स थरो शेल्टर ऑफ द चैंटिंग द होली नेम. हम लोग ने फिर प्रभु जी मैंने एकदम सीरियसली ले लिया. मेरे घर पे संडे और मंडे दो दिन 32 राउंड्स का प्रोग्राम होता है, मेरा महीने में एक दिन 64 माला का प्रोग्राम कर देता हूँ. मेरे घर पे निर्जल एकादशी के दिन 128 राउंड्स का प्रोग्राम होता है. इनफैक्ट मेरे घर पे जो है प्रभु अनंत चतुर्दशी हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे होता है, उस दिन हम भी चांट 192 राउंड्स. और ऐसा नहीं है कि खाली कभी भी आया कभी भी गया, ऐसा नहीं होता है. 64 राउंड्स में सुबह में 5 बजे सबको आ जाना होता है, 5:30 का डेडलाइन होता है. और एक साथ में हर महीने जो हम बैठते हैं, अभी कोविड की वजह से अभी बंद कर देना पड़ा है हमको, लेकिन 5 बजे भक्त लोग आ जाने के बाद में एक ही सेशन में एक ही सिटिंग में 7 घंटा साथ में बैठ करके कोई बाहर नहीं जा सकता है. रूल ऐसा है या तो 64 राउंड्स खत्म होना चाहिए या तो एक बजना चाहिए. जब तक दो में से एक नहीं होगा तब भक्त जा नहीं सकता है. अगर उसको जाना है तो आना नहीं है. ये स्थिति के अंदर एवरी 64 राउंड्स एटलीस्ट 65-70 डिवोटीज कम. और जो हमारा 192 राउंड्स का प्रोग्राम होता है उसमें हम 21 घंटा साथ में बैठ करके 192 राउंड्स करते हैं. मेरा कन्विक्शन हो गया प्रभु हरि नाम इज एवरीथिंग एवरीथिंग प्रभु. और 192 राउंड्स के अंदर प्रभु डिवोटीज जो है रात हम लोग 2 बजे रात को चालू करते हैं, 2 से 4 अपने घर पे करते हैं क्योंकि 2 बजे इधर आते तो सोसाइटी वाले हैरान करते. 2 से 4 16 माला अपने घर पे करते और 4 और 4:30 के बीच में मेरे घर पे आ जाते हैं. और 4:30 से लेकर के रात को दूसरे दिन रात को 11 बजे तक कोई भी भक्त घर से जाता नहीं है. या तो 192 राउंड होना चाहिए या तो रात को 11 बजना चाहिए. दो में से एक नहीं होता है तब तो कोई भी भक्त जा नहीं सकता है. वो इतने स्ट्रिक्ट रूल करके हम लोग 192 राउंड भी तो मेरे घर पे हम कर भी नहीं पाते क्योंकि इतने डिवोटीज आते हैं. हमारा सोसाइटी का क्लब हाउस है, वो क्लब हाउस पे ये प्रोग्राम रखते हैं. प्रसाद का सब हमारे माता जी लोग डिसाइड कर मैनेज कर लेती है. प्रभु जी यू विल बी शॉक टू नो इतना भक्तों का अच्छा एक माहौल मिल गया. यू विल बी शॉक. ये लास्ट ईयर तो कोविड की वजह से 192 राउंड्स हमने नहीं किया, लेकिन उसके पहले का जो हम लोग 10-11 साल से 192 राउंड्स कर रहे हैं, प्रभु जी हमारा 2 साल पहले का 103 डिवोटी ने साथ में बैठ करके 192 राउंड्स किया. आई एम कन्विंस प्रभु कि कृष्णास होली नेम इज एवरीथिंग. और फिर बाद में एक मिनट और लूंगा प्रभु, बाद में जो है प्रभु जी मेरे को समझ में आ गया ये दुनिया में मजा है ही नहीं, खाली ये शेल्टर लेकर के दिन निकालने का है. वी वॉन्ट कृष्णा नाउ एट एनी कॉस्ट नाउ. अभी इधर से बाहर निकलना है, इधर मजा नहीं है. सब चीज होने के बाद में दुखी है तो क्या पाया इधर, क्या रहने के जैसा है. इधर से निकलना है अभी, कोई भी हालत में निकलना है. एक सिंसियर डिवोटी जो होगा, जो कृष्णा भावनामृत के अंदर सिंसियर होगा, उसके लाइफ के अंदर एक गोल हो जाना चाहिए, एक टारगेट हो जाना चाहिए, एक पूरी तरह से उसका एम होना चाहिए. और वो ये होना चाहिए प्रभु कि कोई भी हालत में किसी माँ के पेट में भी जाना नहीं है. बहुत हो गया दुनिया में, बहुत मार खा लिया. ये कोविड क्या देख रहे हो आप, आज लॉकडाउन चालू हो गया इंडिया में, मारा मुंबई में. क्या 1 साल पहले किसी को पता था कि इतना एक बार कोविड खत्म होने के बाद में वापिस होगा, एक बार वैक्सीनेशन देने के बाद में वापिस? क्या गारंटी है थर्ड वेव भी नहीं आएगा? क्या क्या करते हैं हमको, किस तरह सबको एक पुतली की तरह नाच रहे हैं और फिर भी हमको समझ में ऐसा लग रहा है कि नहीं मजा आई. वी आर हेल्पलेस एंड होपलेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, स्टिल वी वांटेड टू बी हैप्पी ओवर हियर. हाउ इट इज पॉसिबल? सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर. मार खा लिया कृष्णा इधर, मैंने दुनिया देख लिया, मजा नहीं है, मुझे इधर से बाहर निकलना है. कोई भी हालत में निकल, इधर आना बहुत सहला है, इधर से बाहर निकलना बहुत कठिन हो रहा है, मुझे निकलना है. कोई भी हालत में मुझे इधर से निकालो प्रभु. दिस शुड बी द कन्विक्शन फॉर एनीबडी हु कम्स इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रभु दुनिया में पैसा कमाया, मिला नहीं कुछ भी, आनंद नहीं आया. एजुकेशन लिया, इतना कुछ मिला नहीं. फैमिली अच्छा मिला, ब्लिसफुलनेस नहीं आया. फाइनली ब्लिसफुलनेस हरि नाम और वैष्णव की सेवा में ही आया. और अभी ये करके सहारे ले लेकर के इतना कन्विक्शन आ करके सब वैष्णव की कृपा, वैष्णव की सेवा, गुरु की कृपा लेकर के धक्का लग जाओ और इधर से बाहर निकल जाओ. दिस इज द गोल ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी हु कम्स इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रभु नाउ विल स्टॉप इट, आई विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड. नाउ यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स. बट यू विल हैव टू स्पीक वर्ड्स क्योंकि हम अभी ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर्स लेने वाले हैं. थैंक यू सो मच आनंदवन दास जी, आपने अपना इतना अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. तो हम अब बढ़ेंगे हमारे एक ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑडियंस, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम जितना हो सके आप सबके क्वेश्चंस लेंगे और शॉर्ट में आपके आंसर लेके ज्यादा से ज्यादा
क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। हम बढ़ेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जो हमारे ऑडियंस की तरफ से आ रहा है, निशांत राजन जी की तरफ से पूछते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, ऑल ग्लोरीज हाउ टू श्रील प्रभुपाद, हाउ टू गेट कन्विक्शन इन भक्ति वाइल इन मटीरियल वर्ल्ड रिजल्ट इज वेरी विजिबल बट इन भक्ति इट इज नॉट इन द बिगनिंग। तो ये जानना चाहते हैं कि हमें कन्विक्शन किस तरह से आए, क्योंकि अगर हम अपने मटेरियल वर्ल्ड में कोई काम करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी दिख जाते हैं, बट भक्ति में हमें रिजल्ट्स शुरुआत में जल्दी नहीं दिखते, तो हमें कन्विक्शन किस तरह से आएगा? प्रभु, आई विल बी वेरी शॉर्ट बिकॉज आई वांटेड टू कवर एज मच एज पॉसिबल, सो आई विल नॉट एक्सटेंड मायसेल्फ, बट मैं उतना बता सकता हूँ प्रभु, ऐसे भक्तों का संग करो जो भक्तों ने जो है उसके पास रिजल्ट आया हुआ है, वो भक्तों का संग, उसकी लाइफस्टाइल देखो, उसकी कमिटमेंट देखो और उसका ब्लिसफुलनेस देखो। प्रभु देखो, कोई भी भक्त को जो है ना कंसिस्टेंटली उसको वो कोई भी दूसरे व्यक्ति को चीट नहीं कर सकेगा। जब वो भक्त को तुम बराबर कंसिस्टेंसी देखोगे और वो ब्लिसफुल देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा मजा तो इधर ही है। और जो है मटेरियल लाइफ के अंदर कितना तुम कितनी प्रगति मिलेगी प्रभु, वायलरी तुमको किक मिलने ही वाला है यहाँ पे। थोड़ा विचार करो प्रभु जी, तुम्हारे पास जो है प्रभु जी सब आया, आपने बड़ा प्रॉस्पेरिटी भी लिया है, लेकिन प्रभु जब वो जाएगा तब आपको दुखी करके जाने वाला, क्या पाया यार, वो दुखी करके जाएगा। उससे बेहतर है मैं कृष्णा भावनामृत में इतना मैच्योर हूँ, भले थोड़ा लेट आएगा मुझे सक्सेस, लेकिन वो चीज मेरे को हमेशा सपोर्ट देता रहेगा। मैंने मेरे गुरु महाराज राधानाथ महाराज को पूछा कि व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मेरे को वो बराबर पकड़ करके चलना है। तो महाराज ने मुझे बोला कि व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, दैट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो प्रभु मटेरियल लाइफ में तुमको परफेक्शन देने वाला मृत्यु के सामने फाइट करने का, ये खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस देता है, वो उसके लिए टाइम लगाएगा भैया। 84 लाख योनि बार मजा मस्ती किया तो एक जन्म में सब फटाफट होता है क्या? यू हैव टू पे द प्राइस प्रभु, नो पे नो गेन, नो मोर टॉकिंग, अनदर क्वेश्चन, आई कैन गो ऑन टॉकिंग देन प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अमय चौहान जी की तरफ से, पूछते हैं हाउ टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ, ये जानना चाहते हैं कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में हम बैलेंस किस तरह से मेंटेन करें, हार्मनी किस तरह से लाएं। प्रभु माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, आई हैव गिवन अ वेरी नाइस क्लास इन माय YouTube इज देयर, व्हाट इज हाउ टू बैलेंस मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, 3 घंटे का क्लास है, इट हैज बिकम वेरी फेमस। प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वो आप सुन लीजिएगा, इट विल गिव यू ट्रेमेंडस सेटिस्फेक्शन। All I can say is at this moment of time to discuss, वो 3 घंटे का क्लास सुन लो और उसके अंदर सब चीज डिस्कस किया है कि आपको मटेरियली कैसा सक्सेसफुल होना और स्पिरिचुअली भी कैसा सक्सेसफुल होना। Outstanding. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिगीशा ओकानी जी की तरफ से, पूछते हैं कि I used to listen his lecture and since from many years I am in ISKCON but cannot be steady in bhakti because of fluctuation in life. So what to do for that? तो ये जानना चाहते हैं, ये आपके लेक्चर्स भी सुनती हैं, ये बहुत सालों से भक्ति में है बट ये फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है इनके लाइफ में, तो ये स्टेडी नहीं रह पाती भक्ति में, तो इनको क्या करना चाहिए? प्रभु जी, माता जी, यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी सीरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। आपको जो है हमेशा, आई एम सॉरी आई डोंट नो हर बट आई विल बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ मेरे गुरु महाराज ने एक बात मुझे बहुत सीरियसली बताया है और वो मैंने लाइफ में देखा भी है, इफ यू आर सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आपने थोड़ा भी सिंसियरिटी बताया तो कृष्णा भाग करके तुमको आकर के खींच लेंगे। माता जी, आपको जो है थोड़ी अपनी सिंसियरिटी बतानी पड़ेगी। डोंट प्रभु जी, नो पे नो गेन, यू हैव टू प्रूव योर सिंसियरिटी टू कृष्णा, देन कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। और एक साइड में भी रखे, यू शुड हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज अराउंड यू। अगर सुंदर एसोसिएशन ऑफ भक्तों का संग सिंसियर होगा ना प्रभु, आपको कृष्णा भक्ति के अंदर डेफिनेटली फायर्ड अप रखेंगे। मेरे घर पे माता जी, देर आर सो मेनी डिवोटीज हु कम टू चांट ओवर हियर, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज हैव ए वाव प्रभु, दे डोंट स्टार्ट देयर डे, दे डोंट गो टू देयर ऑफिस, दे डोंट स्टार्ट देयर डे अनलेस अंटिल दे डोंट कंप्लीट देयर फर्स्ट 16 राउंड्स। और माताजी, बिकॉज क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम माताजी, माताजी लोगों ने, बहुत माताजी ने ऐसे वाउस लिए हैं कि सुबह में उठ करके वो माला लेके बैठ नहीं सकती है, क्योंकि उनको अपना हस्बैंड का कुकिंग करना होता है, बच्चे को स्कूल भेजने का होता है, टिफिन बनाना होता है, तो वो माला लेके बैठ नहीं सकती है। लेकिन ये सब माताजी ने ऐसा वाव लिया है कि जब वो बच्चे चले गए, हस्बैंड काम पे चला गया, फिर तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है ना, तो वो माताजी ने ऐसा वाव लिया है कि जब तक उसकी 16 माला नहीं होती तब तक वो लंच प्रसाद नहीं लेगी। ये तो आप ले सकते हो ना, आप तो कर सकते हो ना। टॉकिंग डजंट हेल्प इट प्रभु, एक्शन हैज टू स्पीक मोर देन योर वर्ड्स।
एंड इफ यू डू इट कृष्णा विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट डेफिनेटली रेसिप्रोकेट सॉरी प्रभु थोड़ा हैवी होगा तो चलेगा ना, बोलते जाऊंगा मैं बोलते जाइए, कोई टेंशन नहीं, हमारी ऑडियंस को हर चीज चलती है। तो दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी प्रभु जी ने कहा कि अगर हम थोड़ी सीरियसनेस दिखाएंगे तो कृष्णा हमसे ज्यादा सीरियस है हमें सीरियस करने के लिए। दैट वाज अ वंडरफुल स्टेटमेंट। अगर हम इस चीज को याद रखें तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो यही सॉल्व हो जाएंगी। तो बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सोरा सुथर जी की तरफ से। पूछते हैं कि आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई सी ए एंड जपा, प्लीज टेल मी वॉट टू डू। आई एम डूइंग माई 16 राउंड्स डेली बट आई एम नॉट एबल टू स्टडीज। तो ये कह रहे हैं कि ये अपने सीए की पढ़ाई के साथ और अपने जप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जब 16 राउंड कर लेते हैं अपने तो ये पढ़ाई नहीं कर पाते, और जब पढ़ाई करते हैं तो 16 राउंड नहीं कर पाते। तो ये किस तरह से मैनेज करें? दिस इज एब्सोल्युटली अ नॉनसेंस क्वेश्चन, सॉरी आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली। ये मैं मेरा वादा के साथ में, दावा के साथ में कह सकता हूं, अगर आपका जपा अच्छा हुआ है तो आपका सब चीज बराबर होता है। मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्रभु 2000 ब्रोकर्स के नीचे बैठता था और 2000 ब्रोकर मेरे हाथ के नीचे काम करते थे, और आज के दिन मेरे फर्म के अंदर 3000 क्लाइंट्स हैं और वो सब लोग के साथ में मैं डीलिंग करता हूं। लेकिन मैं दावा के साथ में कहता हूं कि जब मेरा जपा अच्छा होता है तो मैं पूरे जस्टिस सबको दे सकता हूं। ऐसा ही आपका भी स्टडीज से वो सब चीज जो है, अगर आपने जपा पे बराबर ध्यान दिया है, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह में बैठ जाओ, एक आसन में जपा कर लो, देखो आपका पूरा दिन अच्छा होगा और पूरा क्या फोकस होगा लाइफ। मेरे को मैं पता है प्रभु जी, मैंने जो है ऑफिस के अंदर मेरे दूसरे क्लाइंट्स, मेरे दूसरे जो ऑफिस के दूसरे लोग जो है जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो मेरे से मेरे लेवल में है, वो जितना काम करते उतना मैं काम नहीं करता हूं। लेकिन मैं जो है 6 घंटे के अंदर जो है वो 12 घंटे का काम है वो मैं 6 घंटे में कर सकता हूं, क्योंकि मेरा माइंड फोकस है। मेरे को जो चाहिए वो मैं करता हूं, मेरा माइंड में डिस्ट्रैक्शन नहीं है। क्यों डिस्ट्रैक्शन नहीं है? क्योंकि मेरे को हरि नाम ने मेरे को पूरा आसरा दे दिया है, और हरि नाम के आसरा होने की वजह से मेरा कचरा सब बाहर निकल गया है, और कचरा बाहर निकल गया होने की वजह से मेरा फोकस एकदम क्लियर रहता है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, सीरियसली जपा करो, दूसरा डिस्ट्रैक्शन मत लो, दूसरे सब चीज मत देखो। ये सब गड़बड़ क्या हुआ है? इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब ने इतना कचरा डाल दिया है। आप हरि नाम खाली हरि नाम करने के वास्ते ले रहे हो, इसके वजह से वो कचरा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कि हरि नाम। प्लीज डू इट प्रॉपरली। आगे जपा को सुबह सुबह करेंगे तो आपकी पूरे दिन में इतनी फोकस मिलेगी कि आप अपनी सीए की पढ़ाई भी काफी अच्छे से कर पाएंगे। एंड दैट वाज अ वेरी गुड एडवाइस फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ आफ्टर जपा। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्रिया विकर्मा जी की तरफ से, विकमरा जी की तरफ से। पूछते हैं कि हाउ टू लीड लाइफ इन गुडनेस इन गृहस्थ आश्रम वेयर ऑल अदर मेंबर्स आर नॉन डिवोटीज। तो ये जानना चाहती हैं कि हम अपनी लाइफ को या अपने गृहस्थ जीवन को किस तरह से बिताएं जबकि इनके परिवार में कोई और भक्ति को फॉलो नहीं करता। तो ये किस तरह से अपनी लाइफ को गृहस्थ आश्रम में बिता सकती हैं? थोड़ा हैवी बोलूंगा प्रभु, माफ करना, सॉरी। लाइफ इज मेंट फॉर प्योरिफिकेशन, गृहस्थ लाइफ इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, गृहस्थ लाइफ इज फॉर प्योरिफिकेशन। ये सबसे बड़ा चीज हर एक व्यक्ति को समझ लेना है। ऐसा मत समझना हाउस होल्ड लाइफ चाहिए इसलिए मजा मस्ती करो, जितना मजा मस्ती करोगे उतना और सजा प्राप्त करोगे। ये 30 साल का हाउस होल्ड लाइफ का अनुभव होने के बाद में बोल रहा हूं, जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस सेंटर में रख करके अगर आपने गृहस्थ लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश किया उतना प्रभु आपकी गृहस्थ लाइफ मैच्योर होगी। मैच्योर कैसे होगी वो बताता हूं। एक बाजू जो है डिफिकल्टीज रहेगी प्रभु, गृहस्थ लाइफ मीन्स डिफिकल्टीज, कोई भी लाइफ के अंदर प्रभु गृहस्थ लाइफ में डिफिकल्टीज रहेगी, लेकिन गृहस्थ लाइफ में डिफिकल्टीज आने के बाद में तुम्हारा कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर फोकस और मैच्योर रहेगा। जितना उधर किक मिलेगा उतना तुम्हारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि तुमको रियालिटी मटेरियल वर्ल्ड की समझ में आ जाती है। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू माता जी, इंक्रीज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड बाई इंक्रीजिंग योर कृष्णा कॉन्शियसनेस यू विल बी एबल टू सर्व योर फैमिली वेरी नाइसली, दे विल बी वेरी हैप्पी ऑल्सो विथ यू, एंड यू विल बी एबल टू एडवांस ऑल्सो वेरी नाइसली कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू। तो अगर आप अपनी भक्ति को ज्यादा अच्छे से और सीरियसली करेंगे तो आपके परिवार को सर्व करने में भी आप आगे अग्रिम रहेंगे, और आपके सारे परिवार वाले उस माहौल में अच्छे से रह पाएंगे और आप भी उस चीज में ग्रो पाएंगे। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है
विमला चंदानी जी की तरफ से पूछते हैं कि आई डू क्वांटिटेटिव चैंटिंग बट नॉट क्वालिटेटिव, प्लीज गाइड। तो ये जानना चाहते हैं, ये मैं अपने दर्शकों के क्वालिटी चैंटिंग जो है इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी चैंटिंग। मेरे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि खाली चैंटिंग करने के लिए मत चैंटिंग करो प्रभु, एंड फॉर हैविंग ए क्वालिटी चैंटिंग प्रभु इट इज वेरी मच एसेंशियल टू हैव एसोसिएशन ऑफ दोस डिवोटीज हु आर हार्डकोर सीरियस इन द चैंटिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोविड वोविड में नहीं हो सकते, तो अभी तो सब चीज हम लोग जो है ये सब साथ में ऐसा जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं ऐसा सब साथ में मिल करके सब नक्की कर लो कि हम लोग साथ में बैठ करके जपा करेंगे। प्रभु जी मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ साथ में जपा करने से इतना फायदा होता है। हमारे बोरीवली में जो है प्रभु हम मेरा शादी हुआ 23rd of August 1992 में और हमने 2nd of October 1992 से हम लोग ने जपा सेशन चालू किया है और हर सोमवार को पहले जपा करते थे फिर हम जपा चालू करते 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 आज प्रभु 30 साल हो गया अभी ना 29 साल हो गया 29 साल से प्रभु हम एवरी वीक हम जपा करते साथ में मिल करके। और ये मेरा कहना का मेरा ये पूरा दावा है प्रभु जो हमारे साथ में जपा करने आते हैं वो सब लोगों का कन्विक्शन हो गया है भक्तों के साथ में ही अच्छा जपा होता है, अकेले जपा जो है अच्छा होता ही नहीं है। और इसके वजह से फिर हम लोग सब लोग साथ में आकर के और उसके वजह से क्या हो गया लोगों ने 16 माला चालू किया था फिर 32 किया फिर 64 किया फिर 128 किया फिर 192 तक चले गए। ये सब भक्तों के संघ के अंदर इतनी मैच्योरिटी और इतनी नरिशमेंट मिलते गए। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है प्रभु माता जी जो भी प्रभु जी है वो प्लीज जो है ऐसा भक्तों का संग ले लो कि वो भक्त जो है आपको सपोर्ट कर देंगे आपको अच्छा जपा करने के लिए। और आप अगर सिंसियर होगे तो पक्का आपको अच्छा भक्तों का संग मिलेगा ही। कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड एंड यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु यू विल गेट इट। कहां हमको मालूम था ये गोपीनाथ के अंदर हमारा इतना सुंदर भक्तों का संग मिलेगा। मैं वैष्णव को पहचानता नहीं था बाबा, ना वैष्णव मेरे को पहचानता था, लेकिन आज हम लोग इतने घनिष्ठ मित्र है ही विल डू एनीथिंग फॉर मी आई विल डू एनीथिंग फॉर हिम। सो ये भक्तों का संग मिल गया है प्रभु जी आपको। ठीक है एनीथिंग दूसरा बोलिए प्रभु जी। तो अगर आप क्वालिटी जपा करना चाहते हैं तो भक्तों के संग में कीजिए और वो आप अपने क्वांटिटी को क्वालिटी को जरूर लेके आ पाएंगे। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सरिता पतवाल जी की तरफ से, पूछते हैं कि अगर मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है तो हम हर साल जो पितृपक्ष श्राद्ध करते हैं तो वो फिर किसे जाता है क्योंकि सोल ऑलरेडी किसी और शरीर में चली गई है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है ये सब विचार मत करो, ये एक ही सीरियस विचार करो कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ। एक हार्ड कोर अंदर से अग्नि आ जानी चाहिए प्रभु कि इतना मार खाने के बाद में इधर रहना नहीं है। अभी कौन यह कह सकता है ये दुनिया के अंदर मैं खुश हूं, कौन यहां पे कह सकता है कि मुझे आनंदित हूं। सब चीज आपके लाइफ के अंदर सब चीज होने के बावजूद भी यहां पे आपको आनंद नहीं है। तो जब एक सिंसियर भक्त होता है उसके अंदर एक ज्वाला आ जानी चाहिए कि कृष्णा मेरे लाइफ में भी कुछ भी कर मुझे इधर से निकाल, अभी बहुत हो गया बहुत किक खा लिया मैंने, मुझे ऐसा भी जो है वैसे भी यहाँ पे संघर्ष कर ही रहा हूं और संघर्ष दे दे लेकिन मुझे इधर से निकाल। आई वॉन्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस मैस आई हैव क्रिएटेड, मुझे इधर आनंद नहीं है। ये अगर कन्विक्शन है तो फिर पितृ न मित्र अभी क्या अपने को लेना देना है भाई। और अगर आप सिंसियर भक्त बन जाओगे तो सबका उद्धार हो जाएगा भाई, सब लोगों का उद्धार हो जाएगा, सब आपके पीछे निकल जाएंगे। सो यू टेक ए चैलेंज दैट आई वॉन्ट टू बिकम ए प्योर डिवोटी एंड आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ, मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाने का। दिस शुड बी ए क्लैरिटी। हरेक हमारा हमारा प्रभुपाद देखो प्रभु जी, हमारा फाउंडर आचार्य देखो, उन्होंने 1922 के अंदर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले, 1933 में उनका दीक्षा हुआ, 1944 में प्रभु जी प्रभुपाद ने एक मैगजीन निकाला और प्रभुपाद निकले हैं 1966 में। अभी 1944 और 1966 का 22 साल का गाला है। 1966 में हम बोल सकते हैं प्रभुपाद वाज वेरी मैच्योर और वो गए प्रचार करने के लिए, लेकिन 1944 में भी जब वो निकले जब वो मैगजीन बनाया ना और मैगजीन जो है उन्होंने पब्लिश किया, वो मैगजीन में वो कुछ भी नाम दे सकते थे, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कुछ भी बोल सकते थे, करेक्ट, वो नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय भी क्या मैगजीन का नाम दिया, बैक टू गॉडहेड,
खत्म करो। गौड़ीय संप्रदाय में आए हैं, अगर वापिस इधर आना है तो मूर्ख है। हाँ, अगर तुम वासुदेव दत्त के जैसे हो, प्रहलाद महाराज के जैसे है, जो दूसरे लोगों को लेके जाना चाहते हैं ऊपर, तो बात अलग है। प्रभु मैं तो नहीं हूं, मैं इधर अभी ये जन्म में जितनी सेवा करनी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि वापिस इधर आऊं और कोई अच्छा भक्तों का संग नहीं मिला तो कुछ लटक ना जाऊं, निकलना है। सो मेरा ये पितृ और वो सब चीज छोड़ दो, टेक इट योर स्पिरिचुअल और सो सीरियसली, एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटेड। अमेजिंग। आगे हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कुमार वीरेंद्र जी की तरफ से। पूछते हैं कि व्हाइल चैंटिंग माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड एवरी सेकंड, हाउ कैन आई फोकस ऑन चैंटिंग। ये जानना चाहते हैं कि जब जप करते हैं तो इनका मन बहुत भटकता है, तो ये फोकस कैसे करें चैंटिंग के ऊपर। प्रभु जी, दो तीन चीज है जो मैं देख रहा हूं। वो ये है कि हर एक व्यक्ति जो कृष्णा भावनामृत में आया ना, उसको एक चीज हमेशा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो कृष्णा से याचना करनी चाहिए कि मुझे ये अनुभव दे दो कृष्णा। और वो क्या है, ही शुड बी रियली बी फियरफुल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक दुनिया से वो घबरना चाहिए, और ये अगर हकीकत में अगर वो घबर जाएगा ना प्रभु, ऑटोमेटिकली प्रभु उसका चैंटिंग में फोकस आने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे कभी भी अटैक आएगा माया का, फोकस नहीं करूंगा तो मैं घायल हो जाने वाला हूं, और हो सकता है घायल से आगे भी निकल जाऊं। अगर वो चीज उसके जीवन के अंदर समझ में आ गया कि यहाँ पे पदम पदम विपदम है, कभी भी कुछ होगा, खाली एक्सटर्नली नहीं, रियलिटी के साथ में समझ में आ जाना चाहिए, कभी भी कुछ होगा। देखो इधर हमारे दुनिया में, देखो ना आज के दिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति दावा के साथ में कह सकता है कि कोविड का सेकंड वेव का रीजन ये है, कोई कह सकता है आज के दिन? सब अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी के साथ में बोल सकता है? ये दिखा रहा है प्रभु एवरीबॉडी इज हेल्पलेस एंड होपलेस, लेकिन जो है अटैचमेंट इतना है भौतिक दुनिया के साथ में, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन एक सिंसियर भक्त होता है, उसको समझ में आ जाता है लाइफ की रियलिटी ये है, आई एम हेल्पलेस यार, आई एम होपलेस, मैं क्यों अननेसेसरी इधर उधर जाता हूं, और थोड़ा भी मैंने इन अटेंटिव जपा किया तो मैं कहां जाऊंगा, एक भूल कर लिया मैंने लाइफ के अंदर प्रभु, हो सकता है मैं पूरी जिंदगी पछताऊंगा, एक जिंदगी एक भूल कर लिया तो कितना, ये भौतिक दुनिया में कितना मुझे सीरियस और कितना कॉशियस और ऑन गार्ड रहकर के जीना है। जपा जो है प्रभु तुमको बराबर एक कवच दे देता है, वो कवच की वजह से जो है प्रभु तुम लाइफ के अंदर जो है बराबर मैच्योरिटी के साथ में डीलिंग कर सकते हो। सो टेक इट दैट वे सीरियसली, एंड अगर आपको लग रहा है प्रभु मेरे को तो डर ही नहीं लग रहा है, तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू आर सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन यू शुड प्रे टू द लॉर्ड कि कृष्णा मेरे को चाहिए हकीकत में जपा अच्छा करने के लिए, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स बना दो जिससे ये मेरे हार्ड कोर सिंसेरिटी आ जाए, इफ यू आर सिंसियर। खाली गुड़ी गुड़ी है तो फिर गुड़ी गुड़ी रहोगे प्रभु, इफ यू वॉन्ट योर सिंसेरिटी प्रे टू द लॉर्ड। मेरा वैसे भी हम मरे हुए और मरेंगे और संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर एक हार्ड कोर कन्विक्शन मिल गया तो कितना आनंदित आ जाएगा प्रभु। आई कैन टेल यू, मेरे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, हु इज द वेल्थीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज दैट पर्सन हु हैज गॉट ए टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। दूसरा कोई वेल्थीएस्ट नहीं है कि वो माइक्रोसॉफ्ट फलाना बिल गेट और वो सब वेल्थीएस्ट नहीं है, सब दुखी है, सब चला जाएगा, उसको हमेशा टेंशन रहता है, क्या है वो। और एक व्यक्ति जिसके पास जो है अच्छी तरह से टेस्ट आ गया है प्रभु, वो कोई भी स्थिति में रहता है वो आनंदित रहता है, क्योंकि उसके पास कृष्णा आ गया ना, अपने पास दूसरी चीज है वो चली जाएगी, इसके पास ऐसी चीज है वो जाने वाली नहीं है, तो आनंदित रहता है। इफ यू आर रेडी फॉर इट प्रे टू द लॉर्ड एंड कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प। आगे दूसरा हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रोहन पाटिल जी की तरफ से। पूछते हैं कि हाउ टू डेवलप टेस्ट इन चैंटिंग एज मटेरियल नेचर क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन लाइफ फ्रीक्वेंटली। तो ये जानना चाहते हैं कि इनको चैंटिंग में जो आस्वादन है वो किस तरह से आए, क्योंकि इनकी मटेरियल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस रहती है जिसकी वजह से ये चैंटिंग पे ध्यान नहीं दे पाते। दैट इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर चैंटिंग, दैट इज द बेस्ट वे। कृष्णा के सामने नंगे होकर के बोल देना प्रभु मैं दुखी हूं, मुझे संभाल लो, मेरे पास कोई दूसरा आसरा नहीं है, आई एम हेल्पलेस एंड होपलेस। द्रौपदी जो है जिसने जब जब कृष्णा को याद किया, जब उसका चीर हरण हो रहा था, तभी जो है उसको उसने जिस तरह से भगवान को याद किया, तो कृष्णा सामने आकर के खड़े रह गए, क्योंकि वो शी वाज एब्सोल्युटली हेल्पलेस एंड होपलेस। प्रभु जब हमारा वो चैंटिंग होगा तो कृष्णा हमको क्या टेस्ट दे देंगे हरि नाम का।
So I would rather say that this is the best way to improve your chanting rather than becoming discouraged. तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो ये समय है अपनी चैंटिंग को और सुधारने का, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है आपको कि आप अपनी चैंटिंग को सुधार सकते हैं। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शत्रुघ्न मागर जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि मैं एक लड़की हूँ, मैं हरे कृष्णा को ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी पापा कह रहे हैं कि तुम अभी ज्वाइन मत करो, लेकिन मुझे ज्वाइन होने की बहुत इच्छा है, तो आप प्लीज इन्हें गाइड कीजिए। थोड़ा हैरी बोल देता हूँ प्रभु, अभी क्या मालूम कौन माता जी है, क्या पता है। आई एम स्पीकिंग लिटिल बिट हैरी, बट माता जी चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि कृष्णा कॉन्सियसनेस में ज्वाइन करना यानी वहां पे जाना, उधर ही रहना, ऐसा नहीं होता है। कृष्णा कॉन्सियसनेस इज ए हार्ट टू हार्ट प्रोसेस। अगर आपके हृदय के अंदर कृष्णा फोकस है, आपने प्रभुपाद का शेल्टर ले लिया है, आपने हरि नाम का शेल्टर ले लिया है, आपने अगर भक्तों का संग नहीं कर पाते तो आपने इंटरनली ये सब गैजेट्स और इतना सब आ गया है, उससे आप अगर अच्छी तरह से एसोसिएशन ले रहे हो तो आई कैन टेल यू इट विल नॉट मेक सो मच डिफरेंस। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। हमारे कॉन्ग्रीगेशन में एक माता जी थी, जो माता जी जो है उसके पेरेंट्स उसको जरा भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो बहुत सिंसियर थी और उसने तो दीक्षा भी ले लिया था उसके पेरेंट्स के पीछे बिना। एवरी डे शी वॉज चैंटिंग 16 राउंड्स। अभी 16 राउंड्स कैसे करेगी वो, आपको मालूम करेगा बीट बैक तो चले जाएगी। सो डू यू नो व्हाट दैट माता जी वॉज डूइंग प्रभु, एवरी डे वो अपनी मदर के साथ में सोती थी और सुबह में जो है प्रभु 4 बजे शार्प उठ जाती थी, बाथरूम में जाती थी और सिर पे पानी डाल करके कृष्णा को याचना करती कि कृष्णा अभी मैं स्नान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि स्नान करेगी पानी का आवाज आएगा तो मेरे माँ बाप उठ जाएंगे और मेरे को हैरान करेंगे, मालूम मैं सिर पे डाल रही हूँ, जैसे जस्ट कंसिडर दैट आई टेकन ए बाथ। ऐसा करके वो अपने बेड में आ जाती थी और बेड के उसने कुशन के नीचे बीड बैग रखी थी, वो बीड बैग लेकर के 4 से 6 बजे तक सब सोए हुए है तभी वो माता जी वो चद्दर के अंदर झाड़ करके 16 माला खत्म कर देती थी और फिर वापिस वो जो है बीड बैग अंदर अंदर वो लॉकर में डाल देती थी और ऐसा प्रिटेंड करती थी कि वापिस सो गई है, 6:30 बजे वापिस उठ जाती थी और फिर वापिस जो है हाउस होल्ड आइटम्स एवरी डे वो करती थी। दिस इज द वे दिस माता जी हैड स्पेंडेड सो मेनी डेज एंड इन फैक्ट ईयर्स। और बाद में उसका शादी इतना अच्छे लड़के के साथ में हो गई, वो लड़का बोलता है तुमको कुछ करना ही नहीं है, चाली चांटिंग ही करना है। तो आज मुझे मैं देख रहा हूँ, जब भी मैं वो माता जी को मिलता हूँ, माता जी तुमको तो जैकपॉट मिल गया, जो तुमने घबरा घबराए करते थे अभी तो तुमको सब हमेशा फुल फ्रीडम मिल गई है। तो माता जी ने मेरे को एक ही चीज बोला कि कृष्णा ने मेरी सिंसरी की चेक कर लिया और कृष्णा ने मेरे को बहुत बड़ा रिजल्ट दे दिया। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे, शो बाय योर एक्शन दैट यू आर सिंसियर एंड देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। डोंट गो फॉर एक्सटर्नल थिंग्स प्रभु, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। अनदर क्वेश्चन, तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है संजय सतपुते जी की तरफ से। पूछते हैं कि अगर एक आदमी के पास सब कुछ हो और उसको भक्ति की, अगर एक आदमी के पास सब कुछ हो तो उसे भक्ति की क्या जरूरत है। प्रभु जी ये क्वेश्चन तो जो है ना, मैं यही कहूंगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ है नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब तक व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है तब तक वो प्रभु पांगला आदमी है। मैं बताता हूँ बहुत, चलो उसके पास सब कुछ है, क्या हो सकता है, उसके पास रुपया हो सकता है, रुपया हो सकता है प्रभु, कोई भी जो है रुपया कभी भी जा सकता है, गारंटी, मैं शेयर बाजार का आदमी हूं, मैं सब कुछ दावा के साथ में बोल सकता हूँ, कभी भी चला सकता है। आज जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है लास्ट ईयर के अंदर एक ही साल में 42% मार्केट क्रैश हो गई थी, लोगों का पोर्टफोलियो आधा हो गया था, क्या कर सकते हो तुम। एक अर्थक्वेक हो गया, क्या कर सकते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चली गई। एक लड़ाई आ जाएगी, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप। एक लड़ाई पाकिस्तान इंडिया के साथ में हो गया, क्या कर सकते हो आप। एक किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, क्या कर सकते हो आप। अरे आपके वहां पे कोई किसी ने जो है कोई बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा खराब कोई बड़ा एक पूरा कंसेंटमेंट रिजेक्ट हो गया और पूरा आप रास्ते पे आ जाओ। क्या तो आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला और प्रोजेक्ट जो है बाद में कोई गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशंस एक्साइज ड्यूटी या कस्टम्स का कोई चेंज हो गया, एवरीथिंग बिकम जीरो, प्रोजेक्ट ही चालू नहीं होता है। सो पैसा जो है प्रभु सब होने के बाद में भी हमेशा हर एक व्यक्ति, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या एक छोटा सा फकीर हो, सबके माइंड के अंदर टेंशन ही रहता है
कि कभी भी कुछ चला जाएगा, मेरे पास कोई दावा के साथ में मैं कह नहीं सकता कि हमेशा मेरे पास रहने वाला है, दिस इज नॉनसेंस। दूसरा, पैसा के बाद में दूसरा क्या होता है, आपका फैमिली मेंबर्स। प्रभु जी, फैमिली मेंबर्स के साथ में भी कौन दावा के साथ में कह सकते हैं कि सब इटरनल इधर रहा है? थोड़े समय के लिए सब रहते हैं, सब अपने अपने चले जाते हैं भैया, और जितना अटैचमेंट है उतना और दुखी होते हो आप। करेक्ट, क्या लाइफ है देखो प्रभु। दूसरा आपका क्या अटैचमेंट होता है, बहुत पढ़ाई किया आपने, अरे पढ़ाई किया आप देखो प्रभु, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आपकी याद शक्ति, आपका ग्रास्पिंग पावर सब कम हो जाता है। मेरा दावा मैं बोलता हूँ, आई वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, लेकिन मेरे को अभी याद ही नहीं रहता है, मैं देख रहा हूँ। और फिर मेरे को लगा कि मेरा ही प्रॉब्लम है, तो मेरे सब कलीग जो थे मेरे साथ में जिन्होंने पढ़ाई किया था, वो सब बड़े बड़े पोस्ट पे है, सीईओ है ना, सीएफए है ना, सब लोग कहते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम है क्या, तो वो लोग भी बोले कि मेरा भी प्रॉब्लम यही है, लेकिन हम गांव को बोलेंगे तो मेरे को जो है कोई एक्सप्लॉइट करेगा, इसलिए हम सबको बताते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और सब याद रहते हैं, लेकिन अंदर से मैं भी खोखला हो गया। यानी ये दिखा रहा है, सबको लागू पड़ता है प्रभु, ये सब चीज दिखा रहा है हमारे पास सब, वी आर हेल्पलेस एंड होपलेस पर्सन, वी नीड कृष्णा, वी नीड कृष्णा टू गिव अ कंप्लीट शेल्टर, अदरवाइज वी आर आउट, वो तुमको ब्लिसफुल बना देता है प्रभु। हम लोग जो है सेंटिमेंटल स्पिरिचुअल लाइफ नहीं लिया है, हमने फिर फुल कन्विक्शन और रियलिटी देख करके लिया है। अरे पढ़े लिखे आदमी है यार, दुनिया देख के आए हुए, क्यों कृष्ण कॉन्शियसनेस लिया, क्योंकि समय आगे रास्ता ही नहीं है, रास्ता लोगे तो और मार खाएंगे, बाहर जाएंगे तो। लेकिन ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मेरे को एक सिक्योर करे। हाँ आप बोलेंगे कि प्रभु जी तो अगर अर्थक्वेक नहीं आएगा क्या, हरि नाम लोगे तो अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगी, लड़ाई होगी, कोविड आएगा, लेकिन अगर हरि नाम लोगे तो अंदर से एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि तुम उसको बेयर कर पाओ, और एक कन्विक्शन आ जाएगा कि ये जगह के लिए मैं नहीं हूं, और उसके लिए इतनी तैयारी करोगे कि कृष्णा के अवैतु की कृपा और वैष्णव की कृपा लेकर के इधर से बाहर निकल जाओ। दिस इज मैच्योरिटी, इसके लिए यहाँ पे आए, नहीं कि इधर रहने के लिए आए। बहुत बातें करते रहूंगा, दूसरा क्वेश्चन लाएंगे। भक्ति नहीं है तो आपके पास एक्चुअली कुछ नहीं है, क्योंकि अभी सारी इवैल्यूएशन से तो हमें ये पता चलता है कि भक्ति के बिना जीवन में कुछ नहीं है। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अदिति पारे जी की तरफ से। ये पूछेंगे, व्हाइल लिविंग इन अ गृहस्थ एंड वर्क लाइफ, हाउ टू मोटिवेट एंड पुश योरसेल्फ टू फॉलो स्ट्रॉन्ग साधना एवरी डे, व्हाट इज दैट वन थॉट व्हिच कैन हेल्प अस टू डू आवर सिंसियर साधना एवरी डे। तो जानना चाहते हैं कि एक गृहस्थ और एक कामकाजी जीवन व्यतीत करते हुए हम अपने आप को किस तरह से पुश करें कि हम नॉर्मल साधना नहीं स्ट्रॉन्ग साधना कर सकें। वो क्या एक ऐसा थॉट है जो हमें रोज अच्छे से स्ट्रॉन्ग साधना करने के लिए सिंसियर बना सकता है? थोड़ा हैवी बोल देता हूं प्रभु, बोलिए माता जी प्लीज फॉरगिव मी। एवरी डिवोटी हु अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू टेक सम वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इन द लाइफ। ये माइंड बहुत रास्कल है प्रभु, ये माइंड को जो है हमेशा रास्ता बहाना आता ही रहेगा। आज रात को लेट हो गया, आज ये प्रॉब्लम आ गया, आज ये हुआ नहीं ये हुआ। कितना भी प्रॉब्लम होता है, कितना भी लेट होता है, तो सुबह में जॉब में जाता है कि नहीं जाता है, वो पंचिंग करते कि नहीं करते, क्योंकि उधर पगार कट रहा है ना, और इधर कृष्णा कॉन्शियसनेस में चलता है, दैट मीन्स तुम कृष्णा को चक में चीटिंग करते हो क्या? उधर रुपया कमाने के लिए जाना है, उधर उधर बहाना नहीं आता है, इधर इधर कृष्णा कॉन्शियसनेस में चैंटिंग में गड़बड़ करते हो, तो दैट मीन्स वी आर प्रूविंग टू कृष्णा दैट वी आर नॉट सिंसियर। सो वे सीरियस डिवोटी शुड बी टेकिंग सम सीरियस कमिटमेंट। हेल और हेवन कुछ भी होगा, मैं ये टाइम पे जीवंगी, ये टाइम पे जपा करूंगी, और अगर नहीं जपा करूंगी उस दिन, कुछ गड़बड़ के नहीं करूं, तो मैं लाइफ में इतनी ऑस्टेरिटी करूंगी। कृष्णा को सिंसियरिटी, कृष्णा को बातें करने से नहीं बताना है मुझे, मुझे एक्शन से बताना है मैं सिंसियर हूं। मुझे कृष्णा को बताना पड़ेगा कि मैं सिंसियर हूं, मैं कमिटमेंट लूंगी, मैं इतनी ऑस्टेरिटी। प्रभु एक बार डर लगता है ना, सुबह में उठने में आलस आते तो मान उतारे, इतनी ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी, मैं भूल जाऊं, और धीरे 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 ये ऑस्टेरिटी जो है ना प्रभु, आपको जो है आप कर रहे हो कृष्णा के लिए, और जब जपा में हो सकता है आपको नींद भी आए, लेकिन आप संघर्ष करते हो ना, तो कृष्णा देखता है कि बच्चा सिंसियरली संघर्ष कर रहा है, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा टेस्ट देने का चालू करेगा, और वो टेस्ट आपको इतना ब्लिसफुल बना देता है। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं प्रभु जी, वो रात को 1 बजे भी सोते तो भी 3 बजे उठ जाते हैं, और 3 बजे वो माला लेके बैठ जाते हैं, और इतने अटेंटिवली जपा करते हैं, और बाद में 5 बजे वापस सो भी जाते हैं क्योंकि उसको टेस्ट आ गया है।
वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे, कृष्णा विल हेल्प यू इफ यू आर सिंसियर। सो हमें बस यही अपने एक्शन से दिखाना है कृष्णा को कि हम सिंसियर हैं, और अगर हम अपने एक्शन कमिटमेंट और ऑस्टेरिटी से ये दिखा पाए कि हम सिंसियर हैं, तो कृष्णा हमें जरूर वो शक्ति देंगे कि हम उनकी साधना अच्छे से कर सकें। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विमल भक्ति दासी जी की तरफ से। पूछते हैं कि हाउ टू फाइट विद अल्यूरमेंट्स ऑफ माया, माया के जो जंजाल हैं, जो उनकी जिस जो प्रलोभन है उससे किस तरह से लड़ा जाए। वेरी सीरियस क्वेश्चन, वेरी सीरियस क्वेश्चन। मैं भी बहुत संघर्ष कर रहा हूं। तीन चीज बराबर सीरियसली लेना प्रभु। ये तीन चीज अगर आपने सीरियसली लेफ्ट पे ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला, हार्ड कोर साधना, हार्ड कोर साधना, नो कॉम्प्रोमाइज इन योर साधना, नो ड्रामाबाजी प्रभु। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ्स। पहला साधना। दूसरा, हार्ड कोर सिंसियर एसोसिएशन ऑफ जिन्यून डिवोटीज। इतना जिन्यून डिवोटीज के साथ में प्रभु ऐसा कनेक्शन होना चाहिए प्रभु, इतना कनेक्शन हो जाना चाहिए कि जो कनेक्शन जो है आपको हमेशा ब्लिसफुल रखे कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपको यह कन्विक्शन आना चाहिए वो भक्त को तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन आपको वो भक्ति सख्त जरूरत है। और वो हिसाब से आपके साथ में इंटीमेट एसोसिएशन। ये जो है ना प्रभु, बेसिकली माया हमको क्यों मार रही है पता है? ये जो है ना प्रभु, हमने कचरा बहुत डाल दिया है। मैं आज दावा के साथ में कह सकता हूं, कोविड के टाइम के अंदर लोगों ने कृष्णा का विचार कम किया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज के अंदर ज्यादा माइंड गया है, और उसके वजह से उसकी कॉन्शियसनेस इतनी डिग्रेड हो गई है कि उसका जपा का टेस्ट चला गया। सॉरी प्रभु, आई एम वेरी बोल्ड, बट दिस इज नॉट द रियलिटी हैज हैपेंड। ये कचरा अगर बंद कर दो प्रभु जी, कोई जरूरत नहीं है प्रभु। मैं जो है प्रभु, इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठा हूं, ऑफकोर्स मेरा लड़का भी मैनेज कर रहा है, लेकिन प्रभु मैंने जो है मेरा, मैं फेसबुक पे नहीं हूं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूं, लेकिन मेरा धंधा अच्छा जा रहा है। शाम को सामने से बोल देता हूँ प्रभु, वो SMS कर देना बाबा। और वो यूट्यूब के अंदर भी वो 300-400 रुपया लेकर के वो एडवर्टाइजिंग ही नहीं चाहिए मुझे। कचरा बहुत प्रभु, एक बार माइंड के अंदर चला जाता है तो बाहर निकलने में दम निकलता है, दम निकलता है। अजा मिल को तो एक दृष्टि देखा तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई, हम तो पूरे दिन वो ही देखते रहते। हाउ कैन यू मेंटेन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली इफ यू सी ऑल दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन अराउंड इट? दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। तो एक बार इस बार प्रोटेक्ट कर लिया, साधना स्ट्रांग रख दिया, और गुड भक्तों का संग जो इस तरह से फायर्ड अप है प्रभु, उन लोगों के साथ में रहोगे, निकल पाओगे, बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट। आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आयुष अग्रवाल जी की तरफ से। पूछते हैं कि सर, आई ऑल्सो फॉलो अ लिटिल स्पिरिचुअलिटी एंड आई ऑल्सो डू ऑल माई वर्क एफिशियंटली, बट आफ्टर सम टाइम माइंड गो इन मटीरियल वर्ल्ड एंड आई गेट डिवेटेड स्पेशली इन बैड थिंग्स। तो ये जानना चाहते हैं कि ये भी थोड़ा भक्ति फॉलो करते हैं और ये अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, बट कुछ समय के बाद जब ये भक्ति कर रहे होते हैं तो इनका ज्यादा ध्यान मटेरियल चीजों की तरफ ही जाता है, और ज्यादा कर जो कि चीज अच्छी नहीं होती उनकी तरफ जाता है। तो इन्हें किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए? ग्रेजुअली गो ऑन इंक्रीजिंग योर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड एज ए प्रेशर एंड फोर्स थोड़ा थोड़ा कम देखने का, एक पनिशमेंट के हिसाब से देखना कि ये इतना नहीं करूंगा मैं, और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ाते जाओ प्रभु। गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो है आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में सीरियसली दिखाना चाहता हूं प्रभु। अगर आप ये यथा मां प्रपद्यन्ते प्रभु, आपने जो है 50% किया तो कृष्णा 50% ही सपोर्ट देंगे आपको। आपको कृष्णा को बताना पड़ेगा कि मैं जो है सीरियसली प्रभु जी, इतना जल्दी जाएगा नहीं। एक बार मैंने मेरे गुरु महाराज को पूछा था, महाराज ये मेरा अनर्थ नहीं जा रहा है, ये मेरा लस्ट नहीं जा रहा है, ये मेरी वासना नहीं जा रही है, मैं थक गया। तब उन्होंने मुझे बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जल्दी जाएगा ना तो तुम बहुत उसको चीपली लोगे, और वो चीपली लोगे तो तुम जो है वापस वो कचरा करोगे, और वही कन्वेक्शन होगा कि वापस जाएगा तो वापस मैं कृष्णा से माफी मांगूंगा, लेवल में आ जाऊंगा। इसलिए बेहतर है वो धीरे धीरे जावे, जिससे तुमको संघर्ष करना पड़े, और वो संघर्ष करते वक्त तुमको अक्कल आ जाएगी कि कितना अंदर कचरा भरा था और कितना कष्ट हो रहा है, अभी कितना मेहनत के बाद में थोड़ा टेस्ट मिला है,
कोई भी संजोगों में ये टेस्ट नहीं छोड़ना चाहता, उसके लिए कीमत देनी पड़ती है, तो वो अच्छा है तुम्हारे लिए। सो दिस इज रिक्वायर्ड प्रभु, सीरियसली गो ऑन इंक्रीजिंग इट एंड ग्रेजुअली इट विल गो ऑन, डोंट एक्सपेक्ट सो मच फास्ट प्रभु। कितने सालों के साथ में, सालों तक मजा मस्ती किया ये जन्म में, और अभी एक दो साल में तुमको बहुत जल्दी मिल जाएगा क्या? एक छोटी सी डिग्री मिलती है ना, डिग्री प्रभु, एक सीए की डिग्री होती है, तो सीए की डिग्री कितना आदमी मेहनत करता है, तब 25-27 साल के बाद में मिलता है, और उसको वो डिग्री का फायदा खाली 25-30 साल तक ही मिलने वाला है, बाद में तो बूढ़ा होकर के छोड़ देना पड़ेगा। एक एक छोटी सी डिग्री के लिए 25-27 साल चाहिए, और वो खाली उसका फायदा तो 25 साल ही मिलने वाला है प्रभु। ये हमको भगवत धाम लेके जाने वाला है, गोलोक वृंदावन इटर्नल लेके जाने वाला है, उसके लिए उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना भाई, सब मफत में थोड़ी मिलने वाला है, पे द प्राइस फॉर दैट। So, अगर आप चाहते हैं कि भक्ति में आप थोड़ा आगे बढ़, माफ कीजिएगा आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? या प्रभु मैं सुन रहा हूं। ओके सॉरी, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। माफी चाहूंगा मैं अपने दर्शकों से कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। मैं आप सबसे ये विनंती करूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो हमारी वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दे पाए। तो हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सखी वंदना दोड़ी जी की तरफ से। ये पूछती है कि I want to, if Prabhuji gives training to young boys, I want my son to be trained for his spiritual and material life. My son is 22 years old. तो ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो ये अपने बेटे को जो कि 22 साल के हैं आपसे ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं। सॉरी माता जी, मैं ये कुछ ट्रेनिंग देता नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर मेरा एक यूट्यूब में एक चैनल है आनंद वृंदावन दास ऑफिशियल करके, उसमें मैं हर हफ्ते में एक दिन लेक्चर देता हूँ। वो चैनल में बहुत लेक्चर्स है, मेरे ख्याल से 150-200 लेक्चर्स है। वो यू कैन टेल हिम टू हियर दोस थिंग्स, दैट कैन गिव लॉट्स ऑफ एंकरेजमेंट। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने, हमारे एक डिवोटी है दिग्विजय प्रभु करके, उसको मैंने रखा है, वो सबका प्रॉब्लम्स लेता है, और अगर बहुत सीरियस केस होता है तो मैं उसके साथ में बात करता हूँ। नहीं तो मैं जो है प्रभु, डे टू डे कोई एकदम छोटा मोटा चीज होता है तो मैं नहीं करता हूँ। और इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट, यू कैन हियर दोस लेक्चर्स, इट विल हेल्प यू अलॉट। यही सब इसी हिसाब से मैंने दिया, और एक्सक्लूसिवली व्हाट एवर माई गुरु महाराज हैज स्पोकन आई जस्ट रिपीट दैट थिंग। ठीक है प्रभु, तो थैंक यू। फाइनली वन मिनट प्रभु, आई वुड लाइक टू स्पीक वन थिंग मोर, कि जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? प्रभु बातें तो मैं बहुत बड़ी बड़ी करता हूँ, हैवी बोल देता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं हेल्पलेस हूँ। यहाँ पे मैंने दुनिया देख लिया, मैंने सब चीज प्राप्त कर लिया है, अच्छा पैसा, अच्छा एजुकेशन, अच्छा फैमिली, सब चीज मुझे है, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन आ गया है, मजा नहीं है यहाँ पे, मजा नहीं है यहाँ पे, मजा सिर्फ कृष्णा में है, कृष्णा ही आनंद दे सकता है, एवरीथिंग इज नॉनसेंस। वही थोड़ा आनंद देता है और बाद में मेरे को दुखी करता है। मुझे समझ में आ गया कि मुझे अभी इधर से निकलना है। मैंने मेरे गुरु महाराज को पूछा था कि मेरे को कैसे निकल पाऊंगा, तो महाराज ने मुझे बताया था कि इट विल नॉट बी सो इजी फॉर यू, बिकॉज कंडीशनिंग्स आर डीप रूटेड। मैंने बोला देन इज देयर एनी होप, कुछ है मेरे लिए होप है कि नहीं? ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव कम टू महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाए गया। मैं महाप्रभु के पास उसी के लिए आए हम लोग। तो मैंने उनको पूछा कि फिर मेरे लिए क्या होप है महाराज, तो उन्होंने कहा कि कृष्णा भावनामृत तेरे को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ विद हार्ट थरो कंसिस्टेंसी, बट दैट कंसिस्टेंसी इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि योर कचरा, तुमने इतना गड़बड़ किया है कि कृष्णा तुम्हारा बैकग्राउंड देखेगा तो बोलेगा ये लायक नहीं है। तो उसको अभी मेरे बोला कि फिर धक्का मारने मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा मुझे एक चीज बताया कि जब भक्तों ने जो है तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे लिए याचना किया, जब भक्तों ने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया और हृदय में सिंसरली तुम्हारे लिए प्रार्थना किया,
वो भक्तों का रिकमेंडेशन विल गिव लॉट्स ऑफ वेटेज टू फॉर कृष्णा टू चेंज हिज डिसीजन। तो प्रभु मैं बनिया हूं ना, फाइनली तो खून तो बनिया का ही है ना। तो प्रभु ये जो लेक्चर और ये सब सेमिनार वो कुछ भी जो कर रहा हूँ, भले वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए किया, लेकिन मेरा भी स्वार्थ है कि हर एक व्यक्ति जो ये सुन रहा है, मेरा हृदय से, आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे निकलना है इधर से, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर। ये दुनिया देख लिया मैंने, सब मिलने के बावजूद भी मैं दुखी हूं यहाँ पे, मुझे इधर हकीकत में सॉल्यूशन चाहिए। मुझे मेरा मृत्यु के पहले मुझे ये हार्डकोर कन्विक्शन आ जाना चाहिए कि कृष्णा मुझे स्वीकार लेंगे और इधर से बाहर निकालेंगे। इतना हार्डकोर क्लैरिटी आ जानी चाहिए लाइफ में कि अगर कृष्णा ने मुझे अभी मुझे बुलाया कि तेरे को लेके जाता हूं, तो मैं इधर एक सेकंड भी रुकने के लिए तैयार नहीं होना चाहूंगा। मुझे मालूम है कॉजलेस मर्सी है, कभी भी डिसीजन चेंज करे तो क्या, मैं क्या बोल सकता हूँ? एक भिखारी को बोलेगा मैं 1 लाख रुपया दूंगा, फिर 1 रुपया देगा तो क्या बोलता है भिखारी? थोड़ी कोर्ट में जा सकता है। ऐसा ही कृष्णा ने अगर मेरे को बोला कि नहीं नहीं लेके जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? एक मैच्योर डिवोटी और एक सिंसियर डिवोटी की कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए, कृष्णा ने तुम बोला कि चल तेरे को लेके जाता हूँ अहेतु की कृपा से, तो इतनी उसकी सिंसियरिटी होनी चाहिए कि कृष्णा मालूम है कभी भी आप चेंज कर सकते हो डिसीजन, आप मेरे बाद में आना, लेकिन मेरे को, मैं पहला भाग रहा हूँ, उनको इधर रहना नहीं। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम, मेरे लिए प्रार्थना करना। दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट आई बेग फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवोटी, हृदय से प्रार्थना करना मुझे कि मेरा एक रिकमेंडेशन आ रहा है कृष्णा को और आप लोग का, ये मेरा है। एज फार एज द डिवोटीज आर कंसर्न, वॉट लेसन आई कैन गिव इट टू देम, ये सीरियस लेसन जो मैंने अनुभव किया पिछले 30 साल में, प्रभु आई कैन टेल यू लाइफ सिंपल मत रखना, दिखावा में मत जाना। मैं दिखावा में नहीं गया इसलिए मेरी लाइफ एकदम फोकस हो गया, राइट टाइम में मैं निकल पाया। दिखावा मत करना, लोन मत लेना दिखावा में। आज कितने लोग दुखी है प्रभु लोन लेकर के, फ्लैट के लिए लोन लिया, ये लिया और फंस गए आज के दिन। फिर माता जी भी काम पे जाती है, प्रभु जी भी काम पे जाता है, बच्चे पे जस्टिस देते नहीं, बच्चे आउट द डे आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं और फिर उसको देख करके दुखी होते हैं। ये सब चीज हुआ लोन की वजह से। लोन मत लेना, लाइफ सिंपल रखना, दिखावा मत करना। जो चीज जरूरत नहीं है तो बाहर जाकर के भागना मत, उसके लिए नहीं चाहिए तो नहीं है। और समाज के डर से रहना मत, उसने वो क्या बोलेगा अगर मेरे पास ये नहीं है तो, नहीं है तो नहीं है। प्रभु मैं 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट के अंदर वहां पे रहता था जू में, और फिर मैं बोरीवली के फ्लैट के अंदर में 340 स्क्वायर फीट के अंदर 21 साल रहा। मेरे सब लोग बोले क्या है इतना पढ़ा लिखा आदमी बोरीवली में पढ़ा रहता है, क्या है किसी से पैसा तो नहीं मांगा है ना, सम्मान से तो जीता हूं ना, सम्मान इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन शोइंग योर नाटकबाजी, दैट शुड नॉट बी देयर। और मैक्सिमम पैसा जो तुम्हारे पास आवे, खर्चा कम, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में प्रभु एक राइट टाइम पे तुम्हारा अच्छा कॉर्पस बन जाएगा, तुम ब्लिसफुल रहोगे क्योंकि तुम्हारा कॉर्पस बनते जा रहा है, और इस बार जो कॉर्पस बनते जा रहा है इस बार तुम्हारे कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर मैच्योर करते जाओ। जो भी तुम्हारा टेस्ट है, हियरिंग का होगा, चैंटिंग का होगा, सर्विंग का होगा, डीटी वर्शिप का होगा, जो भी टेस्ट है उसको नर्चर करते जाओ, तो एक राइट टाइम पे क्या हो जाएगा प्रभु, आपका कॉर्पस भी बन जाएगा और आपका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, और वो जब बराबर हो जाए यू कैन इजिली स्विच इट ओवर टू 100% कमिटमेंट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खत्म हो जाएगी, आपने बराबर कर लिया। इस बाजू क्या किक भी तब तक मिल जाएगी अच्छी तरह से, प्रभु हाउस होल्ड लाइफ में किक मिलेगी, आपका फैमिली आपको किक मारेगा, बिजनेस वाला किक मारेगा, आपकी हेल्थ आपको किक मारेगी, सब लोग आपको किक मारेंगे, वो किक मिलेगी, कॉर्पस बन जाएगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस का अटैचमेंट बढ़ते जाएगा, और एक राइट टाइम पे कॉर्पस बन जाने के बाद में 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस हो जाओगे, और फोकस हो जाने के जैसे मेरा गुरु महाराज बोलते हैं द आइडियल हाउस होल्ड आइडियल goal of a human form of life is he should not be afraid of death. ये हमारी सबको आने वाला है मृत्यु भाई, सब मरने वाले हम लोग, और हम सब घबर रहे हैं, भले कितना भी ड्रामाबाजी करें हम सब घबर रहे हैं प्रभु, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जानी चाहिए कि जब हमको मृत्यु आवे ना तब हमको हंसते हंसते मालूम होना चाहिए कि कृष्णा हमको बोल रहे हैं कि बेटा तेरी परीक्षा खत्म हो गई, अभी तेरी अभी सब परीक्षा खत्म, तूने रगड़ा इधर लाइफ में,
और तेरे को समझ में आ गया इधर मजा नहीं है और तेरा कन्विक्शन है, थोड़ा बहुत मैं कंसेशन दे रहा हूँ, लेकिन अभी तेरे को मैं गोलोक वृंदावन का दरवाजा खोल रहा हूँ और अब हम हमेशा जो है साथ में रह करके एक दूसरे के साथ में हम अच्छी तरह से जीवन निकालेंगे। दिस इज वॉट ईच एंड एवरी डिवोटी शुड डू इट। सिंपल लाइफ, फोकस लाइफ, सिंपल, नो मोर कुचाबाजी। इन्वेस्टमेंट बड़ा करते जाओ, कॉर्पस बनाते जाओ, अच्छी तरह से जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस नर्चर करते जाओ, दिखावा कहां पर भी मत करो और ये करके एक राइट टाइम के अंदर जो है प्रभु अच्छा बना लो, तब तक आपका टेस्ट बढ़ जाएगा और फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली लेकर के खत्म कर दो प्रभु, वापस किसी माँ के पेट में नहीं जाना। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु। आई थिंक आई स्पोकन टू मच, दो घंटा हो गया। थैंक यू सो मच वृंदावन जी, आज आप हमारे शो में आए और आपने अपने इतनी लाइफ की इतने इंटेंस एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग सो मच वैल्यू टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हरे कृष्णा प्रभु। प्लीज एक्सेप्ट माय हंबल ओबेसेंस टू ईच एंड एवरी डिवोटी। वंश कल्प तरु वैश्य कृपा सिंधु बहे वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय शूल प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज। थैंक यू वेरी मच। हरे। तो दर्शकों, आज हमने आनंद वृंदावन जी से ये सीखा कि किस तरीके से हम अपने जीवन में पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी लाइफ में है वो है हमारी भक्ति। और एक टेक अवे जो हम अपने घर पे ले जा सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइफ स्टोरी से, वो ये है कि अगर हम सीरियस हो जाएं हमारी भक्ति की तरफ तो कृष्णा हमसे ज्यादा सीरियस है हमें सीरियस करने के लिए। तो जरूरत है, तो सिर्फ अगर आपके जीवन में भक्ति अब नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन में भक्ति ला सकें, और अगर आपके जीवन में भक्ति है तो आप उसे और सीरियसली लीजिए ताकि आप इन सब चीजों से मुक्त हो सके। आज हमने एक ऐसे व्यक्ति से उनकी लाइफ की कहानी सुनी है जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ था, सब कुछ है, और फिर भी वो भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं अपनी लाइफ में। तो इससे हमें एक चीज समझ आ जाती है कि जिस जर्नी पे हम जाना चाहते हैं वहां पे एंड में भक्ति ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज इस शो ने, इस कहानी ने आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन लाया होगा, कुछ तो प्रेरणा दी होगी। इसी के साथ मैं आज आपसे आज्ञा चाहूंगा, हम मिलेंगे अगली बार एक और नई कहानी के साथ, एक और प्रेरणा के साथ, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हरे कृष्ण।